इज देयर एनी नॉइस हियर? क्या मेरी आवाज में कोई नॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, सो हाय पायल, हेलो वंदना, हाय मधु, हाय कुसुम, हाय दिव्यांश, हाय सार्थक, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाय काजोल, हाय कृष्णा, सो प्लीज़ रिफ्रेश इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी मी. अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू रिफ्रेश योर विंडो, एंड इफ़ यू रिफ्रेश यू विल बी एबल टू सी मी. आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही चमक रहा हूँ. माई शर्ट इज़ टू ब्राइट. लेट मी वेयर समथिंग ऑन दिस सो दैट आई कैन चेंज द कलर. समथिंग आई थिंक सो माई शर्ट इज़ टू ब्राइट. सो आई हैवन्ट चेक्ड इट बिफोर द सेशन. हेलो एवरीवन, ग्रेट. ठीक है, सो आई होप दैट यू गाइज कैन सी मी. आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे एंड वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. यस, बैकग्राउंड इज़ गुड. बैकग्राउंड इज़ नॉट जस्ट गुड, इट इज़ टू गुड ना. बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइन. बेबी पिंक. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी फोकस द कैमरा. ओके, सो आई होप इट इज़ विजिबल नाउ. आप सभी के साथ ये विजिबल होगा एंड आई थिंक इट शुड बी गुड. यस, एक्चुअली आई हैड टू वेयर द कोट बिकॉज माई शर्ट वॉज too bright for the camera, so that is why I had to wear the coat, otherwise I'll remove it. Great, so aap sabhi log live hain, all of you are live and online, we can start our session. Okay, hi Manoj, hi Shraddha, hi Rohini, hi Anurag, hi Rupa, good, 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 hi Aditya. Okay, so I believe all of you know the topic for today's session. Aaj ka jo topic hai, द टॉपिक इज मेमोरी मैनेजमेंट. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. वी आर गोइंग टू डिस्कस मेमोरी मैनेजमेंट इन टूडेज सेशन. एंड सो जस्ट क्विकली आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू रिवाइज द टॉपिक बिफोर दिस सेशन? आई टोल्ड यू दैट इफ यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन दिस टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक विल बिकम वेरी वेरी ईजी. आप सभी को मैंने बताया था कि आप सेशन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट का, आप उसको रिवाइज करके आ सकते हैं. अगर आपने वो रिवाइज किया है तो ऑब्वियसली जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. गुड इवनिंग वासु. यस, आई आस्क्ड टू रिवाइज इन यस्टरडे सेशन ऑल्सो रिगार्डिंग मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस टॉपिक विल बी वेरी इजी इफ़ यू हैव रिवाइज. जल्दी से मुझे बता दीजिए किस किस ने रिवाइज किया है और किस किस ने रिवाइज नहीं किया है. हु ऑल रिवाइज द टॉपिक एंड किस किस ने रिवाइज अब तक नहीं किया है? ओके, सो इवन इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग देन दिस विल बी इजी. सो मेजरली अगर पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो भी आपने पढ़ा है तो ये भी आपके साथ इजी रहेगा. तो कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए इजी रहेंगे. ओके, फाइन. सो जल्दी से सभी चैट विंडो के अंदर लिख दीजिए दोज हु आर ऑनलाइन. And there are many new people here in the chat. काफ़ी सारे लोग हैं जो नए हैं who are watching the session for the very first time. And because you are watching the session for the very first time, let me also give you shortcuts to reply in the chat window. Whenever you have to write yes, just press Y. जब भी हम लोग yes करेंगे, जब भी हम लोग बोलेंगे yes, then you are going to write Y. And if you want to write no, then you can write N. ठीक है, नो के लिए आप चैट विंडो के अंदर एन लिख सकते हैं बिकॉज दीज शॉर्टकट्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. ये शॉर्टकट जो है सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बिकॉज इन सभी शॉर्टकट से
आप मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद मी इन अ बेटर मैनर. ओके, एंड आफ्टर दिस येस एंड नो. एंड थर्ड थिंग इज प्लीज बी वेरी एक्टिव इन द चैट विंडो, बिकॉज वट हैपन्स इज ड्यूरिंग द क्लासरूम्स के अंदर आई कैन सी ऑल ऑफ योर फेसेस, एंड बाई लुकिंग एट योर फेसेज आई कैन सी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. आई कैन रियली फिगर इट आउट. ठीक है, तो मैं आपको मतलब मैं फिगर आउट कर सकता हूँ आपके फेसेस से कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, आई कैनॉट सी योर फेसेस. सो बिकॉज आई कैनॉट सी योर फेसेस सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द चैट वेन एवर आई आस्क यू कि कैसे जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, इफ़ आई आस्क यू कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इफ़ आई एबल टू अंडरस्टैंड इट और डू नॉट अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ राइट इन द चैट विंडो येस नो समथिंग. आई आस्क इट वेरी फ्रिक्वेंटली. ठीक है, एंड यू कैन आस्क डी, राइट डी फॉर डन, दैट्स ऑल्सो राइट. जब भी आपको चैट के अंदर डन लिखना है तो डन को आप डी से लिख सकते हैं, सो दैट हम लोग एक दूसरे के साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग जो आप सभी को देखनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. ठीक है, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी, आप सभी रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए, तो मैं अपने सेशन को भी स्टार्ट कर सकता हूँ. एंड क्विकली जल्दी से मुझे बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर कम्फर्टेबल विद इंग्लिश एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर कम्फर्टेबल विद हिंदी. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट हियर हु आर नॉट कम्फर्टेबल विद द हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पीक इन हिंदी, बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू कीप माई सेक्शन bilingual. That means every sentence I repeat English, every sentence I also repeat in Hindi. So if there's anyone here who is not comfortable with Hindi, please let me know quickly in the chat window so that I can start accordingly. Both English and Hindi. Great. So most of you are comfortable with both the languages. That is fine. That's good. ठीक है, तो चलो. And there are many new people here. काफ़ी लोग नए हैं आए हैं हमारे साथ. There are many new people who joined in the session. So if you guys joined in, so welcome to all of you. And so I hope that your sessions with me will be very, very good. Aur aapko kuch seekhne ko milega, you will learn something new. Aur because agar aapko kuch seekhne ko milega, then obviously you will appreciate, right? To hum log start karte hain aaj. Jo hamara topic hai, wo memory management hai. And this subject, computer architecture, is mostly in your third and fourth year of BTech. So for studying computer architecture, you should have some basic knowledge of digital logic. That means what is a multiplexer, what is a XOR gate, what is a AND gate, what is a OR gate, what are decoders. So if you know some knowledge regarding how multiplexers work, how decoders work, how encoders work, if you have some knowledge regarding it, so then you will be able to understand it in a better manner. Aapko samajhna aur bhi zyada aasan ho jayega. Theek hai? So initially what I'm going to do is, I'm going to give you a brief review or revision of what are the things that we have covered in operating system. हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कवर कर चुके हैं. तो सबसे पहले इनिशियली मैं आप सभी चीज़ों का आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव कवर्ड, एंड बेस्ड ऑन दिस अकॉर्डिंगली वी कैन स्टार्ट यू नो न्यू टॉपिक्स. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस लुक एट द मेमोरीज दैट वी हैव. सो ऑन योर सिस्टम यू हैव वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज. फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर हार्ड ड्राइव्स और कैन से हार्ड डिस्क ड्राइव, दे आर वेरी स्लो एज यू नो. तो आपके पास दो तरह की मेमोरीज हैं. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. ठीक है, तो यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ मेमोरी दैट यू यूज इन योर कंप्यूटर सिस्टम. यू हैव योर सेकेंडरी मेमोरी, यू हैव योर मेन मेमोरी, यू हैव योर कैश मेमोरी. ओके, सो लेट मी म्यूट माई सिस्टम. ओके, सो यू हैव सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, यू हैव ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरी. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट you have a hard disk. So as compared to your hard disk and your main memory means RAM. So your hard disk is much slower as compared to your main memory. And then your main memory is much slower as compared to your cache memory, and your cache memories are slower as compared to your processor registers. So you have various different kinds of memory. And this is just a hierarchy of all of these memories. So here you can see that we have these hard disk. So the hard disk size, they are very large nowadays. Earlier the hard disks used to be very expensive, but nowadays hard disk size is very large. So your hard disk is approximately 2 terabytes on an average. Most of the time the laptops that is coming nowadays,
Most of these laptops are having a hard disk of 1 terabyte, 2 terabyte nowadays. But earlier, if you go back 10 years, I mean, when I was in my 12th class, I bought my first computer. So on that computer, I bought a hard disk of 80 GBs. 80 GBs, aajkal to aapke jo mobile phone ki memories hain, wo bhi usse zyada hoti hai. So I bought a hard disk of 80 GB. That was very, very expensive back then. So nowadays, the size of the hard disk increased drastically, as well as the cost is also decreased drastically. Size bhi increase ho gaya hai, aur jo cost hai, wo bhi yahan par decrease ho gayi hai. So because of that, what you can see, we can afford very large amount of hard disk. आपके पास काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क को आप अफोर्ड कर पाते हैं. बट यू कैन सी दीज हार्ड डिस्क आर नॉन वोलेटाइल. मतलब जो हार्ड डिस्क है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. व्हाट डू आई मीन टू से बाय नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल मीन्स यू विल बी एबल टू स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, द डेटा विल नॉट गेट इरेज्ड. आपका जो हार्ड डिस्क में डेटा है वो ऐसा कैसा रहेगा, आपका जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा. But when you compare your main memory as compared to hard disk, your main memory is a volatile memory. That means when you turn off your computer and when you turn it on again, your whatever data was written on your main memory, that will be completely deleted. आपकी जो main memory में जो भी data लिखा हुआ था वो सारा delete हो जाएगा. Okay? So that is why you can see your main memories are, you know, we cannot store data in the main memory, right? बट वाई डू वी इवन यूज दिस मेमरी, मेन मेमरी? मेन मेमरी को हम यूज़ क्यों करते हैं? लेट मी गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट. देखो, यू कैन व्यू इट इन दिस मैनर, एज्यूमिंग दैट दिस इज योर सी पी यू. ओके, एंड विद दिस सी पी यू देर आर सम रजिस्टर्स. दो ये जो सभी रजिस्टर्स होते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर्स, दीज रजिस्टर्स आर विद योर सी पी यू. ये सभी जो रजिस्टर्स होते हैं आपके सी पी यू के साथ होते हैं. ओके, एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ कैश मेमरी. दिस इज योर कैश मेमरी. And then you have something called as your main memory, right? Main memory means RAM. जब मैं main memory की बात करूँगा, इसका मतलब है कि हम RAM, यानी कि random access memory की बात कर रहे हैं. And then you have your secondary memory, which can be your hard disk drive, or it can be a solid state drive, or anything like this. आपकी hard disk drive भी हो सकती है, solid state drive भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हमारे पास secondary memory यहाँ पर हो सकती है. Okay? Now, the thing is, these hard disk drives, ये जो इतनी भी आपके पास hard disk drive है, these hard disk drives are very slow. Generally, the normal reading time in these hard disk drives varies from 100 nanosecond to 200 nanoseconds. So, you know, the reading time here, this is very slow. So, that is why, and your processors are very, very fast. जो processors हैं आपका, वो बहुत fast होता है. They can work somewhere like in 1 nanosecond. So you can see these hard disk drives are at least 100 times slower as compared to processor. Like sometimes in some cases, you can even find the hard disks are 1000 times slower. So because of that, if this processor has to directly communicate with this hard disk, then this hard disk will become a bottleneck. अब देखो, bottleneck का मतलब क्या होता है? What do I really mean to say by bottleneck? I've used the word here, bottleneck. अब देखो, बॉटल नेक का मतलब क्या है? व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय बॉटल नेक? बॉटल नेक मीन्स इफ यू सी अ बॉटल हियर, ठीक है, एंड सो दिस इज सम काइंड ऑफ बॉटल. सो ऑब्वियसली इट कैन बी अ वाइन बॉटल, राइट? कुछ भी हो सकता है बॉटल के अंदर, राइट? तो अब ये जो आपकी बॉटल है, इन दिस बॉटल यू हैव लॉट ऑफ लिक्विड. बट व्हेन यू पुट दिस बॉटल अपसाइड डाउन, सो हाउ मच लिक्विड विल फ्लो आउट, कितना यहाँ से लिक्विड एक साथ फ्लो होगा? The amount of liquid that will flow out, that will be dependent on the neck of the bottle, how wide the neck is. If I compare this with this kind of bottle where we do not have a neck and here the complete water is there, then this flow rate here will be much higher. यहाँ पर जो flow का rate होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो flow का rate है वो काफ़ी कम होगा. So this, even though the pressure of a bottle can come, I mean, at a very high pace, but उतना pressure से पानी नहीं आएगा because of this neck of the bottle. यहाँ पर जो bottle neck है वो एक restrictions create कर रहा है, it is creating a restriction. In the same way, if your CPU is very fast, आपका CPU कितना भी fast हो सकता है, your CPU can be very fast, but if you are comparing it with the hard disk speed, so hard disks are very slow. अगर आपके CPU को hard disk के साथ coordinate करना है, then the total speed जो communication की है, that will be very slow because of hard disk. And because of that, जो आपकी calculations जो आप perform करने वाले हैं, whatever work you have to do, whatever calculations you have to do, those calculations will become very slow. वो सभी जो calculations हैं वो बहुत ज़्यादा slow हो जाएगी. Okay?
So to match up with the speed of CPU, we use something called as a main memory. So basically, these main memories are much faster as compared to hard disk drive. So if I say your main memory is having a speed of 10 nanosecond, agar iski speed 10 nanosecond ki hai, so obviously, you can use this main memory to communicate with your hard disk drive. But there's a big problem here. The problem is, these main memories are very expensive. Aapki jitne bhi jo main memories hain, wo bahut zyada expensive hai. They are very, very expensive. At the same time, for these main memories, agar aap hard disks, agar aap hard disk ki baat karte hain, in case of your hard disk, you can store data for a very long time. Aap hard disk ke andar aaj kuch data ko dalenge, maybe for few years, for many years, you can store data in your hard disk. But in your main memory, or you can say in your RAM, you will not be able to store data for a very long time, because once you turn off your computer or once you restart your computer, all the data that was written in the main memory, that will be deleted. Jitna bhi data aapne main memory ke andar likha hai, wo sara data yahan par delete ho jayega. Theek hai? So that is why we cannot rely on main memory. So what we do is, let us assume I have a program here. Aapke paas ek program hai. And if you want to execute this program, then you bring this program in the main memory. आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर मेन मेमोरी पर लेकर आते हैं. एंड द स्पीड ऑफ मेन मेमोरी इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क. ओके, बट अगेन द स्पीड ऑफ मेन मेमोरी इज नॉट एज फास्ट एज योर सीपीयू. ये आपके सीपीयू के इक्विवेलेंट स्पीड नहीं है. सो देन वी यूज समथिंग कॉल्ड एज ए कैश मेमोरी. सो ये जो कैश मेमोरी आपके पास होती है, द स्पीड इज मच फास्टर. मे बी इट इज 2 नैनो सेकंड्स टू 3 नैनो सेकंड, समथिंग लाइक दिस. सो कैश मेमोरी इज मच फास्टर. सो वट एवर नेसेसरी डेटा इज देयर, जैसे यहाँ से अगर कुछ ऐसा डेटा है जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, सम डेटा इज़ देयर विच यू आर यूजिंग वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली, जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, वी टेक दैट डेटा फ्रॉम दिस प्लेस एंड वी एग्जीक्यूट दैट डेटा इन द कैश मेमोरी. आप उस डेटा को यहाँ से उठा के उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं. सो दैट इफ़ वी स्टोर सम डेटा इन द कैश मेमोरी, एंड बिकॉज द कैश मेमोरी एक्सेस टाइम इज़ वेरी लो, तो इस वजह से जो आपका इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होता है, सो आई हैव अ टर्म विच इज़ ई मैट. EMAT means the effective memory access time, यानी कि मेमोरी को इफेक्टिवली एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू एक्सेस द मेमोरी इफेक्टिवली. सो वट एवर डेटा यू आर एक्सेसिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, जो भी डेटा आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप उस डेटा को कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, सो योर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विल रिड्यूस. एंड वेन योर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विल रिड्यूस, यू विल फील लाइक योर सिस्टम इज रनिंग वेरी फास्ट. आपका जो सिस्टम है वो फास्टर बिहेव कर रहा है, या सिस्टम इज रनिंग फास्टर, उसकी जो सारी कैलकुलेशन है, वट एवर वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज गोइंग ऑन वेरी वेरी फास्ट. ओके, सो दैट इज वाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी. बट अगेन वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, दीज कैश मेमोरीज आर ऑल्सो वेरी मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी. जैसे अगर मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, इफ आई गो टू मार्केट टूडे, सो टू गेट अ 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, टू गेट अ 1 TB ऑफ मेन मेमोरी, it will cost me approximately 3,000 to 4,000 rupees, and to get a 2 TB of hard disk, it will cost me around 4,000 to 5,000 rupees, right? So this is the cost of hard disks and drives. But when you talk about this main memory, if I want to get a 8 GB of main memory, maybe you are taking a main memory as Corsair Vengeance or something, so for 8 GB of main memory, you have to pay 3,000 to 4,000. 8 GB ke liye aapko 3,000 to 4,000 pay karna padega. And if you want to get a 16 GB, agar aapko 16 GB main memory lena hai, so that means you have to pay approximately 7,000 to 8,000 rupees, and which is very expensive as compared to main memory. Ye bahut zyada expensive hai. You can clearly see the difference here. The size is only 8 GB, and here the size is 1 TB. 8 GB or 1 TB mein agar aap compare karenge, the size is approximately 200 times. राइट, 1 TB कितना बड़ा है, 1 TB 8 GB से कितना बड़ा, दैट इज 256 times बिगर. करेक्ट, सो ऑब्वियसली दीज मेन मेमोरीज दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी मेमोरीज. बट इफ यू कंपेयर दीज कैश मेमोरीज, द साइज ऑफ कैश मेमोरी इज वेरी वेरी लो. तो जनरली जो आपका कैश मेमोरी का साइज होता है, दैट इज वेराइज फ्रॉम 1 MB टू लेट अस सपोज 3 to 6 MB. राइट, सो इन टिपिकल केसेज वी हैव कैश मेमोरीज ऑफ 128 KB. We have cache memories of 256 KB, we have cache memory of 1 MB, we have cache memories of 3 MB, and so on. We have different levels of cache. Uske bare mein hum log sabhi discuss karenge. We will discuss about all of these levels of cache, okay? So if you look at it here, so these cache memories, they are very small in size, hardly 1 MB, but they are also very, very expensive.
So you can see this 1 MB of cache memory will cost equivalent to this main memory of 8 gigabytes. So they are very expensive, right? And then we have these registers. So, and we include these registers with your CPU. ये जो registers होते हैं उसको CPU के साथ include करते हैं, okay? So we have these different kind of memories that we use in a computer system. So अगर आप यहाँ पर check करेंगे, so what is given here? Let us look at it here. So here they are showing that we have a hard disk and the access time of hard disk is 10 milliseconds and the cost is very low. And then if you take out this main memory, so these main memory access time is approximately 100 nanoseconds. Inka jo access time hai, wo approximately 100 nanoseconds ka hai. And they are little expensive as compared to hard disk, but not very expensive. Thoda sa expensive hai, lekin bahut zyada expensive nahi hai. But then you have these cache memories. And these cache memories are very, very fast as compared to your main memories. And again, we have registers which are, you know, much faster than this, okay? Ab yahan par kya hai? A few things that I can show you. So on your computer, you have different hierarchies of memory. Theek hai, dekho ye sabhi jo cheeze hain, I've already sent you all of these things in as a PPT file, jo aapka Telegram group hai, Telegram channel hai. Wahan par jo hai, ये सभी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन एक्सेस देम. आप उसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं. सो इफ इट इज़ नॉट विजिबल हियर, अगर आपको विजिबल नहीं है, आई टोल्ड यू दैट वट एवर PPT आई सेंट यू, यू कैन कीप इट हैंडी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो दिस इज शोइंग ऑल दिस मेमरीज दैट वी यूज. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव CPUs, एंड इफ़ यू गो फ्रॉम बॉटम टू अप, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यू विल फाइंड आउट दैट टोटल स्पीड इज़ इंक्रीजिंग as well as cost is also increasing. Bottom से up की तरफ जाते हुए जो speed है access करने की वो भी increase हो रही है और cost भी increase हो रही है. So here you can see we have CPU registers. So CPU registers होते हैं, these CPU registers are very close as compared to your CPUs. आपके जो CPU registers हैं वो CPU के बहुत ज़्यादा close होते हैं and they are very, very fast as compared to other memories. And then you have your cache memories and you have 3 to 4 levels of cache. Most of the time we have level 1 cache, you have a level 2 cache, you have a level 3 cache. तो आपका जो level 1 cache है, level 2 cache है और level 3 cache है, okay? Fine. So you have level 1 cache, you have level 2 cache and level 3 cache. तो आपके multiple levels of cache memory आपके पास होती है, okay? And then you have this main memory. So here this main memory is again, main memory means your RAM. Main memory जो है वो आपकी RAM होती है. So again we divide these main memory into two categories. One is your total amount of physical RAM, आपके पास total physical RAM कितनी है, and then we also have a virtual memory. So what is the total amount of virtual memory that you have, okay? After this we have some secondary memories. So in these secondary memories you have your hard disk drive, whatever, even if you have some network storage drive, all of these things comes under the category of secondary memory. जो आपकी CD drives हैं, DVD drives हैं, hard disk drives हैं, solid state drives हैं, network storage drives हैं, all of these are your secondary memories. ये सभी जो हैं ये आपकी secondary memories यहाँ पर होती हैं, okay? So these secondary memories are your permanent storage. ये जितनी भी आपकी secondary memories हैं ये आपकी permanent storage हैं, okay? And these cache memory and even your main memory, they are your temporary storage. That means whatever amount of data you are going to store or whatever your data you are going to store, that will not be written permanently over there. Jo bhi data aap store karenge, jo bhi data aap wahan par store karenge, some of these data will be available for you guys to access it. I mean, jo bhi data aap store karenge, as soon as you turn off your system, that will be wiped out or you can say that will be erased. To ye jitni bhi cache memory hai aur main memory hai, they are your temporary storage devices. And when you have your secondary memory, these are your permanent storage devices. I hope it is clear. आप सभी के साथ इतना clear होगा. So, but when you look at your CPU, अगर आप अपने CPU या फिर processor को देखेंगे, see registers basically, when I say what are registers, registers का मतलब क्या है? Registers are the combination of some flip flops. तो ऐसा नहीं है कि register हमेशा एक bit का data store करेंगे. You can create some combination of flip-flops so that you can store 8 bit of data. आप 8 bit का data भी store कर सकते हैं registers के अंदर. You can even create registers to store 15 bits of data, 16 bits of data and so on. ठीक है, तो जो registers हैं वो जो है वो आपका data store करने के लिए use होते हैं,
एंड ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर का साइज़ हमेशा 1 bit होगा, द साइज़ ऑफ रजिस्टर कैन बी मच बिगर, ठीक है। एंड इफ़ यू गाइज आर हैविंग इशूज़ रिगार्डिंग बफरिंग, अगर आपके बफरिंग के इशू आ रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू रिफ्रेश द विंडोज़। अगर कुछ बफरिंग का इशू है, मे बी आई एम नॉट गेटिंग अ बफरिंग इशू ऑन माई एंड, मेरे एंड से तो बफरिंग का इशू नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न यू आर हैविंग अ इशू रिगार्डिंग बफरिंग, ठीक है। यस डियर, हाय कीर्ति, ग्रेट, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू, समर्थ आई विल डिस्कस अबाउट इन सम टाइम, वो सभी चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है, आई डिस्कस अबाउट इट इन सम टाइम। एंड अंजलि, इफ़ यू आर हैविंग अ इशू रिगार्डिंग बफरी, प्लीज़ ट्राई टू सी इफ यू कैन रिफ्रेश इट, बिकॉज आई थिंक आज मेरी तरफ से इशू नहीं है, येस्टरडे एवरीवन वाज फेसिंग बफरिंग इशू, बट टुडे वी डू नॉट हैव अ बफरिंग इशू, कल बफरिंग इशू था, तो आज हमारी तरफ से कोई भी बफरिंग इशू नहीं है, ओके। सो श्योर नयन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन सम टाइम, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू माई टॉपिक, पहले हम टॉपिक को कवर करते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन वन बाई वन, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इन योर CPU, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टिपिकल CPU, तो जो भी आपका टिपिकल CPU है, इन दिस CPU यू हैव, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कोर 2 CPU, राइट, हमारे पास अलग अलग तरह के CPUs हैं, मे बी यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, i3 प्रोसेसर्स आर देयर, वी हैव i5 प्रोसेसर्स आर देयर, वी हैव i7 प्रोसेसर्स आर देयर, वी हैव i9 प्रोसेसर, इवन वी कैन सी वी हैव हेक्सा कोर प्रोसेसर्स। अब कोर i3 से पहले हमारे पास कुछ कोर 2 डीओ कुछ CPUs आते थे, राइट, और कैन से वी यूज टू हैव अ ड्यूअल कोर CPU, और उससे पहले आपके पास पेंटियम 4 CPUs थे, यू हैव पेंटियम 3 CPUs, राइट, एंड एज वेल एज दिस आर ऑल द CPUs फ्रॉम इंटेल कंपनी, बट इवन द अदर कंपनीज ऑल्सो क्रिएट CPUs, लाइक यू हैव AMDs, AMD भी CPU क्रिएट करता है, ओके ओके। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, सो आई होप इट इज़ विजिबल नाउ, अब सभी के साथ अब विजिबल होगा, अगर ब्राइटनेस आई रिड्यूस सम ब्राइटनेस, ग्रेट, गुड। सो यू कैन सी वी हैव वेरियस कैटेगरीज ऑफ CPUs, जैसे आपके पास कुछ AMD के CPU थे, आपके पास कुछ इंटेल के CPUs हैं, सो इन द सेम वे यू हैव डिफरेंट यू नो कंपनीज हु क्रिएट ऑल ऑफ दिस CPUs. So this is just a general architecture of a CPU. So in this CPU we have 2 cores, right? So 2 cores means in 2 places you are going to perform your calculations. Now in a core you have 3 caches. This is your L1 cache, this is your L2 cache, and this is your L3 cache. So, I mean this is your L1 cache, this is L2 cache, and this is your L3 cache. Ye jo dono cache hai yahan par, these are your L1. L1 means level 1 cache. L1 ka matlab hai ki hamare paas level 1 cache hai. L1 means level 1 cache. And when I take say this L2 cache, so L2 cache is level 2 cache, and then I say L3 cache, so it is level 3 cache. So basically in cache ka matlab kya, what do I really mean to say by these cache, in cache memories ka matlab kya hai? Dekho, what happens is generally affording a cache, jo bhi aapki cache hai, I think it's too dark now, just give me a second, let me do it again, मैं और फिर से इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ओके आई होप इट इज बेटर, फाइन। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज जनरली अफोर्डिंग द कैश मेमोरी जो होती हैं आपकी, दीज कैश मेमोरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादातर जो आपकी कैश मेमोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सो ऑब्वियसली affording a large amount of cache memory is also going to be very expensive for you guys. So the better way is they create multiple levels of cache so that one level of cache is less affordable, other is more affordable, and third one is most affordable. So basically they create different levels of cache and the total access time or access speed of all of these levels of cache will also be different. Jaise ki this is your CPU, right? This is your CPU. And with this CPU, we have the CPU registers, aapke CPU registers hain. And then we are going to have a cache, which is level 1 cache. Then we are going to put a level 2 cache. Then we are going to have a level 3 cache. And after this level 3 cache, we have your main memory. Toh ye jitni bhi cache hain, these
ऑल मेमोरीज आर कैश मेमोरी, ये सभी जो मेमोरीज हैं ये आपकी कैश मेमोरी है. ओके, सो इफ यू लुक एट इट हियर, तो जनरली क्या होता है कि जो आपकी लेवल वन कैश है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड आउट दे आर लाइक 128 KBs ओनली, एंड योर लेवल टू कैश दे आर अप्रॉक्सीमेटली 512 KB. एंड वेन यू लुक एट दिस लेवल थ्री कैश, सो जो आपकी लेवल थ्री कैश होते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 MB to 6 MB, राइट. एंड देन यू हैव योर मेन मेमोरी विच इज मे बी ऑफ 8 GB. तो यहाँ पर होता यह है कि जो आपकी लेवल वन कैश है, दीज लेवल वन कैश मेमोरीज, दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. तो ये जो लेवल वन कैश है ये आपकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, प्लस दे आर द मोस्ट फास्ट, मतलब दे आर द फास्टेस्ट मेमोरीज. बट दिस लेवल टू कैश इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू लेवल वन, बट एट द सेम टाइम दे आर स्लोअर एज कम्पेयर टू लेवल वन. एंड दिस लेवल थ्री कैश आर ऑल्सो स्लोअर एज कम्पेयर टू लेवल टू, ये लेवल टू से ज़्यादा स्लो है एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव. सो बेसिकली व्हेन यू गेट अ CPU, आजकल जो आपके पास CPUs आते हैं, वेन एवर यू बाय अ CPU nowadays और कंप्यूटर CPUs, सो ऑल योर CPU इज कम्बाइंड विद ऑल थ्री ऑफ देम. आपके CPU के अंदर आपके रजिस्टर्स भी होते हैं, विद दीज रजिस्टर्स यू ऑल्सो हैव योर लेवल्स ऑफ कैश मेमोरीज. यहाँ पर आपके लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी भी होती है. एंड इफ़ यू लुक एट इट हियर, तो अगर आप यहाँ अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इफ़ इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज, तो अगर आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो कोर्स हैं. वी हैव टू कोर्स ऑफ द CPU. सो टू कोर्स मीन्स वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन टू प्लेसेज पैरेलली, बट एट द सेम टाइम हियर बोथ ऑफ दीज टू कोर्स आर ऑल्सो गोइंग टू मेंटेन देयर लेवल वन एंड लेवल टू कैश इंडिपेंडेंटली. यहाँ पर इनकी जो लेवल वन कैश है और जो लेवल टू कैश है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहेगी, और जो लेवल थ्री कैश है दिस लेवल थ्री कैश इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम. सो हियर कैन सी दिस लेवल वन कैश इज योर इंस्ट्रक्शन कैश. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस हियर, एंड दिस लेवल वन कैश हियर, दिस आर टू पार्टीशंस ऑफ लेवल वन कैश, एंड दिस इज योर डेटा कैश. तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे ध्यान से, इफ यू लुक एट दिस CPU, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ योर i3 CPU आर्किटेक्चर, जो आपका i3 CPU होता है, इफ यू बाय अ i3 CPU इन योर मार्केट, सो दिस इज द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू आर गोइंग टू हैव. तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ये आपके पास आएगा. ओके, सो यस, योर कैश मेमोरी इज जनरली इनबिल्ट इन योर CPUs. आपके CPUs के अंदर इनबिल्ट होती है आपकी जो कैश मेमोरी है. ओके, एंड इफ यू लुक एट इट हियर, तो आप ध्यान से चेक करेंगे, सो दिस लेवल वन कैश दिस इज ऑफ 32 KB, एंड हियर दिस वॉज योर इंस्ट्रक्शन कैश, ये आपकी इंस्ट्रक्शन कैश थी, एंड दिस लेवल वन कैश इज योर डेटा कैश. सो ये जो डेटा कैश है इट इज ऑल्सो ऑफ 32 KB. Here you can see this level 1 cache, it is an instruction cache, it is also of 32 KB, and this level 1 cache, it is your data cache, it is of 32 KB. So if you add all of them, 32 plus 32 plus 32 plus 32, so total your level 1, the total level 1 cache you have is 128 KB. Yahan par jo aapki level 1 cache hai wo approximately 128 KB ki hai. Okay, and when you look at the level 2 cache, so this level 2 cache is 256 KB, and this level 2 cache is also 256 KB. So in this CPU you have approximately 512 KB of level 2 cache. Yahan par aapke paas 512 KB hai. Okay, and when you look at this level 3 cache, so most of the time this level 3 cache is between like 3 MB to 6 MB, 3 MB se lekar 6 MB ke beech ki aapki level 3 cache hoti hai. Okay, and there is a concept of TLBs, or you can say translation look aside buffer. So this TLBs are also kind of a cache memory. तो जो TLB है हमने इसके बारे में स्टडी किया था इन ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ यू रिमेंबर इट, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव स्टडीड ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. सो इन दिस ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यू जनरली स्टोर सम पार्ट ऑफ द पेज टेबल. तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर CPU. सो इवन योर CPU रजिस्टर्स, इवन योर कैश मेमोरी, एंड इवन योर TLBs, all of these things are present in your CPU. okay, ye sabhi cheeze jo hain ye aapke CPU mein present hoti hain. okay, so again Sakshi, depends on the architecture of your CPU. aapka jo CPU ka architecture hai, whether it is a i3 CPU, it is a i5 CPU, it is a i6 CPU, to kis tarah ka architecture hai uske upar depend karta hai. again the development architecture is also different. to aapka jo architecture hai wo bhi kafi vary karega. If you have a AMD CPU, the architecture of AMD CPU might be different, the architecture of an Intel CPU might be different. So basically मैंने यहाँ पर इस PPT के अंदर I've also included the architecture of i7, but later on मैंने उसको निकाल दिया था. I'll send you later on, जो आपका Telegram group है
सो जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से, वहाँ पर मैं उसको बाद में डाल दूंगा, व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ i7। बट अगेन दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, सो दिस इज जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया कि आपकी जो कैश मेमोरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया हियर, ओके। सो गुंजन, TLB मीन्स ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। इन ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर्स जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी किया था, इन ऑपरेटिंग सिस्टम आई हैव कवर्ड व्हाट इज ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, वहाँ पर मैं इसको अच्छे से कवर कर चुका हूँ, ओके। कीर्ति, जो आपके पास एसोसिएटिव मेमोरी है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस एसोसिएटिव मेमोरी लेटर ऑन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो वी विल लुक एट इट लेटर ऑन। सो अभी हमारे पास जो कैश मेमोरी है, वी आर गोइंग टू हैव कैश मेमोरी विच इज एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव एंड सो ऑन। सो हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोसेसर वर्सेज मेमोरी परफॉर्मेंस। तो अगर आप चेक करेंगे, सो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट हाउ मच डी रैम यू हैव एंड हाउ मच मतलब लेवल्स ऑफ कैश यू हैव, राइट। सो इन 1980s, अर्लियर इन 1980s, सो वी डो नॉट यूज टू हैव दिस कैश मेमोरी। आपके 1980s के अंदर कैश मेमोरीज हमारे पास नहीं होती थी, बट फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड इंक्लूडिंग द कैश मेमोरी। सो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स दिस टोटल CPU परफॉर्मेंस, आई मीन द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई, ओके। सो अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, दिस इज जस्ट गिविंग एन आइडिया अबाउट इट कि जो आपका आइडिया है उसका, इसके बारे में आपको एक आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ, ओके। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। देखो अभी तक जो हमने किया, वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार, जो भी अब तक हमने किया, दैट वॉज जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन टू कैश मेमोरी, कि कैश मेमोरी की ज़रूरत क्या होती है एंड वेयर डू वी यूज़ कैश मेमोरी, वो सभी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की थी। सो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। सो दिस वॉज कम्प्लीट बैकग्राउंड कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में कैश मेमोरी कहाँ पर होती है, वट इज़ द लोकेशन ऑफ कैश मेमोरीज इन योर कंप्यूटर सिस्टम, वो अब तक हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक, ओके। एंड कुसुम, TLBs आर यूज टू स्टोर द पेज टेबल। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई थिंक यू हैव नॉट स्टार्ट कवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सो फार। वंस यू कवर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू विल फाइंड वट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, आपको TLB का जो यूज़ है वो पता चल जाएगा, ओके। श्योर ज्योति एंड ब्रिजेश, लेट मी गो थ्रू विद द टॉपिक वंस। पहले मैं टॉपिक को कवर करता हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स आफ्टर द क्लास, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट हियर। देखो हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर CPU, वी विल टेक इट स्लो। अब से इस पॉइंट ऑनवर्ड से मैं थोड़ा सा स्लो लेकर चलूंगा, ताकि आप सभी के साथ सब कुछ क्लियरली समझ आए आप सभी को। बिकॉज इससे पहले जो तक हमने कवर किया था, दैट वॉज जस्ट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, दैट वॉज जस्ट सम आइडिया अबाउट कि हम लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। सो हियर यू कैन सी दिस इज योर CPU, एंड विद दिस CPU वी हैव सम रजिस्टर्स। CPU के साथ आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं, assuming this is register R0, this is the register R1, this is the register R2, this is the register R3 and so on, and then you have your cache memory. So for simplicity purpose, I'm just going to imagine here that you have only one level of cache. मैं यहाँ पर बस simplicity purpose के लिए एक imagine कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ one level of cache है। Later on we are also going to discuss about what if we have multiple level of cache. अगर आपके पास multiple level of cache होगी तो उस केस में क्या scenario रहेगा, उसको हम लोग बाद में discuss करेंगे। इस सब पर सिंपलिसिटी के लिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल की कैश है। एंड देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी, दिस इज योर मेन मेमोरी, ठीक है। साथ साथ सभी नोट्स बनाते रहे, बिकॉज मेकिंग नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज समहाउ समटाइम्स यू विल फेस डिफिकल्टी इफ यू नॉट डू दिस। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, दिस इज प्रेजेंटिंग योर सेकेंडरी मेमोरी। एंड हियर इन द सेकेंडरी मेमोरी यू हैव योर प्रोसेस, दिस इज प्रेजेंटिंग योर प्रोसेस, ओके, प्रोसेस, फाइन। सो आई विल गो वेरी स्लो, लेट अस मेक इट इंटरेस्टिंग नाउ, बिकॉज इस पॉइंट ऑनवर्ड्स से जो हमारे लेक्चर्स हैं, इट विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम नाउ ऑन। सो लेट अस फोकस इट हियर। देखो आपके पास जो प्रोसेसर है, प्रोसेस है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस एंड वी डिस्कस अबाउट दिस मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस प्रोसेस के बारे में और इस मेन मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डू यू डू,
यू डिवाइड दिस प्रोसेस इंटू समथिंग कॉल्ड एज पेजेस. हम इसको कुछ पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड द प्रोसेस इंटू समथिंग कॉल्ड एज पेजेस. ओके, एंड वी डिवाइड दिस मेन मेमोरी इंटू समथिंग कॉल्ड एज फ्रेम्स. मेन मेमोरी को हम यहाँ पर कुछ फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करते हैं. दिस इज फ्रेम्स. ओके, इन सच ए वे दैट वन पेज ऑफ द प्रोसेस कैन बी, वी कैन पुट वन पेज ऑफ द प्रोसेस इन वन फ्रेम. प्रोसेस के एक पेज को हम एक फ्रेम के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं. सो जनरली व्हाट वी डू इज, जो आपके पास ये प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर वर्चुअल एड्रेस स्पेस, और यू कैन से दिस ऑल्सो कॉल्ड एज योर लॉजिकल एड्रेस स्पेस. प्रोसेस को हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं. प्लीज़ कीप नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इन सभी का नोट बनाते रहें. विदाउट नोट्स यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो कोशिश करें सभी के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें. ओके, यस, एब्सोल्युटली राइट अंजलि, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हियर इन दिस सेकेंडरी मेमोरी वी मेंटेन दिस, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है. सो दिस प्रोसेस इज करंटली प्रेजेंट इन दिस सेकेंडरी मेमोरी, एंड वी कॉल दिस प्रोसेस एज ए वर्चुअल एड्रेस स्पेस, एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए लॉजिकल एड्रेस स्पेस. सो लेट अस अज्यूम दैट हियर वी हैव अ प्रोसेस P0, दिस इज पेज P0, दिस इज पेज P1, पेज P2, एंड दिस इज अ पेज P3, एंड हियर वी डिवाइड दिस मेन मेमोरी इनटू समथिंग कॉल्ड एज ए फ्रेम. हम मेन मेमोरी को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करते हैं. नाउ दिस पेज साइज, जो आपका पेज का साइज होता है, दिस पेज साइज ऑफ दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू द फ्रेम साइज ऑफ मेन मेमोरी. उसका जो पेज साइज है वो हमारे फ्रेम साइज के इक्वल है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, आई कैन टेक वन पेज ऑफ दिस सेकेंडरी मेमोरी एंड आई कैन पुट इन टू अ फ्रेम हियर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पेज नंबर 1, आई कैन पुट इन दिस फ्रेम. करेक्ट, सो दिस इज पेज नंबर 3, आई कैन पुट पेज नंबर 3 इन दिस फ्रेम. हम एक पेज को एक फ्रेम में यहाँ पर रख सकते हैं. वी कैन पुट अ पेज फ्रॉम दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस इन टू अ फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी. Now in this case we also have to maintain something called as a page table. हमें यहाँ पर page table को भी maintain करना है, वो हम लोग already discuss कर चुके हैं. Now if you take this entire scenario, ये जो complete scenario है आपके पास, we have studied this entire scenario in operating system. ये जो सारा scenario है ये हमने operating system में study किया. I mean the concept of pages, the concept of frames, and the concept of virtual address space, the concept of virtual memory, the concept of main memory, we have discussed all of these concepts in your operating system. Hum isko already discuss kar chuke hain. Okay, fine. So but when we discuss about this cache memory, to ye jo cache memory hai yahan par, in computer architecture we discuss about this cache memory. Let me again change the color. So in your subject computer architecture we discuss about this cache memory and this main memory. ये जो topic है, this is a part of computer architecture and organization. So in computer architecture organization, we discuss about this cache memory as well as this main memory. Okay? अब यहाँ पर अगर आप check करेंगे, if you look at it here, so we divide this cache memory into something called as cache lines. हम इसको cache lines के अंदर divide करते हैं. We divide into something called as a cache line. And further, we divide the main memory into something called as a block. तो main memory को हम block में divide करते हैं. देखो ये जो division है, this division is not like not a hardware division. This is a logical division which is done by software. So if you see this frame size of the main memory, this is not a hardware division. आपके जो main memory को हम में जो आप if you have divided your main memory into frames, then what is the size of the frame? जो frame का size होगा वो जो साइज है, इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर डिवीजन बट रेदर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिवीजन. इन द सेम वे योर कैश लाइन साइज, जो कैश मेमोरी है उसको आप लाइन्स के अंदर डिवाइड करेंगे, द साइज ऑफ द कैश लाइन, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ हार्डवेयर डिवीजन, ये आपका एक सॉफ्टवेयर डिवीजन है. इन द सेम वे इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस मेन मेमोरी, सो यू कैन डिवाइड दिस मेन मेमोरी इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लॉक. तो मैं इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. हियर आई कैन डिलीट ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड आई कैन शो दैट दिस मेन मेमोरी, I can show it this way.
for 1 second. Yeah. So I can say this main memory will be divided into something called as a block. हम इसको block के अंदर divide करेंगे. Okay, so it will be divided into something called as a block. अब यहाँ पर computer architecture organization के अंदर, in this subject, we are going to discuss about this block as well as we are also going to discuss about this cache line. हम computer architecture में main memory और cache memory के बारे में discuss करेंगे. इतना clear है सभी के साथ? Is it clear with everyone so far? कि हमारा जो topic है वो क्या रहेगा? वासु, जनरली द फ्रेम साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द पेज साइज. जो उसका डिवीज़न हमारे पास होता है वो डिवीज़न हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमेशा आपका जो फ्रेम साइज है वो हमेशा पेज साइज के ही इक्वल रहेगा. ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से फटाफट मुझे चैट विंडो के अंदर क्लियर लिख दीजिए और येस लिख दीजिए वाई. सो इफ इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज. ओके, सो अगेन let me give you a brief idea again. What I'm telling you is, in operating system, जो हम already cover कर चुके हैं, so in operating system, we have discussed about the main memory, or this is also called as physical address space. And in your subject, which is computer architecture, and we are also discussed about this virtual address space, or you can say process, or you can say virtual address space or logical address space. तो हम virtual address space या logical address space के बारे में हम लोगों ने operating system में discuss किया था. In your computer architecture and organization, in this subject, we are going to discuss about your cache memory. यहाँ पर हम cache memory के बारे में discuss करेंगे, plus your main memory, ठीक है? So these concepts are very much similar. ये जो concepts है वो बहुत ज़्यादा similar है. That is why before the class itself I told you, if it is possible, please do a revision of this paging concept in operating system. And then if you come back to this computer architecture, it will be very easy for you to understand. आपके सब कुछ जो समझना है वो बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा. Okay? So the things that we have already covered, हम क्या क्या चीज़ें already cover कर चुके हैं. If you can see it here, तो memory management में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मेन मेमोरी और वर्चुअल एड्रेस स्पेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो वी हैव सीन टू मेमोरी एलोकेशन पॉलिसीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम. वन इज़ योर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन एंड सेकेंड वन वॉज योर नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन. हमने दो पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था. पहला है आपका कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, दूसरा है आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन. सो इन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन वी डिस्कस्ड अबाउट फिक्स्ड पार्टिशनिंग, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएबल पार्टिशनिंग. In non-contiguous memory allocation, we discussed about paging, multi-level paging, segmentation with paging, and inverted paging. And at the same time, we have also discussed about paging with TLB. We also discussed about paging with translation look-aside buffer. So paging with TLB, ye sabhi concept jo hai, we have discussed all of these concepts in operating system. Okay, I hope that you guys remember it. Aap sabhi ko yaad hoga. ठीक है, आई होप आप सभी को याद होगा ये सब चीज़ें, राइट? सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या डिस्कस किया था? इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वी डिस्कस्ड अबाउट फिक्स्ड पार्टिशनिंग, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल पार्टिशनिंग. इन नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग एंड पेजिंग विद ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. Then we discussed about segmentation with paging, and even you can combine this segmentation with paging with translation lookaside buffer. आप इसको TLB के साथ भी combine कर सकते हैं. And then we have discussed about this inverted paging. तो हमने inverted paging के बारे में भी discuss किया था. Okay? And then here in this topic, computer architecture, so we are going to have less topic as compared to that. हमारे पास सिर्फ तीन topics हैं यहाँ पर. We are going to discuss about only three topics. वन इज़ योर डायरेक्ट मैपिंग. पहला आपके पास डायरेक्ट मैपिंग रहेगा. सेकेंड विल बी एसोसिएटिव मैपिंग एंड थर्ड विल बी सेट एसोसिएटिव. तो तीन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग. ठीक है, सभी कंफर्टेबल है सभी के साथ? ऑल द पीपल जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं, दोज हु हैव जॉइंड टूडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आर यू कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स? क्या आपने ये सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं? If you guys are comfortable with these concepts, then we can move forward accordingly.
यस बडी सिस्टम टू आर यू कंफर्टेबल विद दीज ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक्स क्या आप सभी इन ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक्स के साथ कंफर्टेबल है इज देयर एनीवन हियर हु हैव नॉट स्टडीड दीज टॉपिक्स जिन्होंने ये टॉपिक्स जो है वो स्टडी नहीं किए हैं यहाँ पर क्या कोई ऐसा है जिन्होंने ये टॉपिक अब तक स्टडी नहीं किया है आई मीन दिस नॉन कॉन्टिगस आई मीन दिस मेन मेमरी प्लस वर्चुअल डेस्क स्पेस इज देयर एनीवन हियर जिसने अब तक ये टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट विंडो के अंदर सो दैट आई कैन मूव अकॉर्डिंगली मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने लेक्चर को चेंज कर सकता हूँ ओके सो प्रियंका बडी सिस्टम इज नॉट रियली लाइक अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जस्ट लाइक दिस तो ये जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थी दैट वॉज जस्ट लाइक अ सब टॉपिक वो बहुत छोटा सा सब टॉपिक है तो जो उसको आप बाद में भी कवर कर सकते हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टूडेज लेक्चर ओके स्टडीड बट नॉट क्लियर प्रीति याकूब यू हैव सम बेसिक आइडिया ओके श्रद्धा नॉट डन दिव्यांश नॉट डन मयंक नॉट डन वासु आई हैव नॉट स्टडीड येट सर्वज्ञा नॉट डन पूर्णिमा वी हैव नॉट स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम येट ओके ओके कीर्ति ऑल्सो सेड वी हैव नॉट कवर्ड ठीक है नो इश्यूज ओके लेट अस डू वन थिंग आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा फॉर ऑल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक्स जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं ओके सो अंजलि यू हैव ऑल्सो नॉट कवर्ड ठीक है ओके सो ज्योति द सब्जेक्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज यू कैन सी हियर कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कवर कर रहे हैं यस नोफ्ला आई हैव 3 चैट विंडोज सो राइट नाउ आई एम ऑनलाइन ऑन 3 डिफरेंट चैनल्स ओके चलो यस सो कूल ठीक है तो जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं लेट अस कंटिन्यू दिस टॉपिक हियर सो लेट मी डू वन थिंग बिकॉज आपने इस टॉपिक्स पहले कवर नहीं किए हैं ऑल द पीपल हु आर न्यू हियर ऑल द ओल्ड पीपल यू हैव कवर्ड देम जितने भी यहाँ पर ओल्ड हैं उन सभी ने टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर न्यू यू हैव नॉट कवर्ड दिस टॉपिक सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा इफ इवन इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो थ्रू द आइडिया अगर आपको समझ में ना आए डोंट पैनिक फील फ्री टू जस्ट फॉलो थ्रू द टॉपिक वो सिर्फ मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूँ ताकि आपको एक रिविजन टाइप का मिले ओके सो आई विल कवर इट आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल ऑफ द टेक्निक्स जो अब तक हमने कवर की है एंड वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू मच डेप्थ हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं करेंगे अभी इस समय पर नेक्स्ट सेशन में व्हेन आई एम गोइंग टू कवर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देन यू विल बी एबल टू फॉलो थ्रू दिस वेरी इजीली ठीक है तो अभी हम लोग जो कवर करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दिस एसोसिएटिव मैपिंग सेट एसोसिएटिव मैपिंग ओके एंड यू नो जो आपकी एसोसिएटिव है सेट एसोसिएटिव है यू हैव डायरेक्ट मैप कैश उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बट बिफोर दैट फॉर लाइक फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स आई कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है आर यू एबल टू फॉलो दिस अगर आपको समझ में नहीं आए दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज डोंट वरी जो ब्रीफ आइडिया है बिकॉज सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इन योर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यू हैव नॉट स्टडीड ऑपरेटिंग सिस्टम योर कॉलेज टाइम ऑल्सो तो इवन इफ यू आर अगर आपको ऐसा हो इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो थ्रू दिस अगर आपको समझ में ना आए डोंट पैनिक सो आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू हम लोग उसको बाद में डिटेल में भी कवर करेंगे ओके इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू जल्दी से येस लिख दीजिए अगर ये सभी साथ क्लियर है इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद इट तो जल्दी से येस लिख दीजिए ग्रेट 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 ठीक है सो आई गिव यू ब्रीफ आइडिया एक ब्रीफ ओवरव्यू व्यू कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ओके सो दिस इज काइंड ऑफ रिविजन्स ठीक है तो ये आपके रिविजन सेशंस हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द रिविजन सो हियर यू कैन सी इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव सीन यू नो अ प्रोसेस तो आपके पास एक प्रोसेस थी सो यू हैव सीन दैट वी हैव अ प्रोसेस लाइक दिस So this is a process and we also call this process as a virtual address space or logical address space. जो process है
हम उसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं. ओके क्लियर फाइन. सो इन वी डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू समथिंग कॉल्ड एज पेजेस. हम इस प्रोसेस को कुछ पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. सो एज्यूमिंग दिस इज प्रेजेंटिंग पेज नंबर 0, दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3 एंड दिस इज पेज नंबर 4. सो वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस एंड देन वी कैन स्टोर दीज पेजेस एनीवेयर इन एनी फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी. सो दिस इज योर मेन मेमोरी एंड दिस मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ फ्रेम. सो दिस इज फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4 एंड दिस इज फ्रेम नंबर 5. सो वी कैन टेक दिस पेज नंबर 0 एंड आई कैन स्टोर दिस पेज नंबर 0 इनटू फ्रेम नंबर 5. वी कैन टेक दिस पेज नंबर 1, आई कैन स्टोर इनटू फ्रेम नंबर 2. वी कैन टेक दिस पेज नंबर 2, आई कैन स्टोर इन फ्रेम नंबर 3. वी कैन टेक दिस पेज नंबर 3, आई कैन स्टोर इन फ्रेम नंबर 0. एंड यू कैन सी दिस पेज नंबर 4 इज करंटली नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. तो जो आपका पेज नंबर 4 है वो इस समय पर मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी भी प्रोसेस का सभी पेजेस मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट हो. वी कैन ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इन द मेन मेमोरी, वट एवर पेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पेजिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग. सो वट डू आई रियली मीन टू से बाई डिमांड पेजिंग? डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है? डिमांड पेजिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड विच पेज टू वी नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी आर गोइंग टू ब्रिंग द पेज इन द मेन मेमोरी सो दैट वी कैन ऑल्सो अकोमोडेट मोर पेज इन द मेन मेमोरी फ्रॉम अदर प्रोसेसेस. तो हम बाकी दूसरी प्रोसेसेस से भी कुछ पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर लेके आना चाहते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके सो वट डज सी पी यू डू? इफ सी पी यू वॉन्ट टू जनरेट एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, सो दिस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, आई मीन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रेजेंट इन द वर्चुअल एड्रेस स्पेस. जो इंस्ट्रक्शन सी पी यू को एग्जीक्यूट करनी है वो कहाँ पर होगी? वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे. एंड हियर इन दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस लेट अस अज्यूम दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट सी पी यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट. तो जो भी इंस्ट्रक्शन सी पी यू को एग्जीक्यूट करनी है सी पी यू इज गोइंग टू जनरेट एन एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन एंड दिस एड्रेस विल बी कॉल्ड एज योर लॉजिकल एड्रेस. इस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए वर्चुअल एड्रेस. हम इसको लॉजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं और वर्चुअल एड्रेस भी बोल सकते हैं. ओके नाउ दिस लॉजिकल एड्रेस, दिस इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू. ये जो एड्रेस है, ये जो लॉजिकल एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का, जो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है, सीपीयू इज गोइंग टू जनरेट दिस लॉजिकल एड्रेस. एंड इन दिस लॉजिकल एड्रेस, ये जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, दिस लॉजिकल एड्रेस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर पेज नंबर एंड सेकेंड वन इज योर पेज ऑफसेट. एक होगा आपके पास पेज नंबर और दूसरा होगा आपके पास पेज ऑफसेट. सो व्हाट डू वी डू इज वी क्रिएट अ पेज टेबल. हम एक पेज टेबल को क्रिएट करते हैं. पेज टेबल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज टेबल? इट मीन्स विच पेज ऑफ द वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज स्टोर्ड इन विच फ्रेम. वर्चुअल एड्रेस स्पेस का कौन सा पेज किस फ्रेम के अंदर स्टोर है? सो फॉर एग्जाम्पल हियर द पेज नंबर 0 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर 5. सो आई एम गोइंग टू स्टोर फ्रेम नंबर 5 हियर. देन यू कैन सी दिस पेज नंबर 1 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर 2. तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रेम नंबर 2. देन दिस पेज नंबर 2 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर 3. तो हम यहां लिखेंगे फ्रेम नंबर 3. देन दिस पेज नंबर 3 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर 0. पेज नंबर 3 जो है वो फ्रेम नंबर 0 के अंदर स्टोर्ड है. एंड दिस पेज नंबर 4 इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर. जो पेज नंबर 4 है वो मेन मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर नहीं है. ओके सो देन व्हेन द सीपीयू विल जनरेट दिस लॉजिकल एड्रेस, फ्रॉम दिस लॉजिकल एड्रेस आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द पेज नंबर. आई विल टेक दिस पेज नंबर, आई विल गो टू द पेज टेबल. सो लेट अस अज्यूम सीपीयू जनरेटेड अ रिक्वेस्ट फॉर पेज नंबर 2. ओके सो आई विल गो टू द पेज टेबल. I will find out कि ये जो पेज नंबर 2 है वो मेन मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है. सो यू कैन सी दिस पेज नंबर 2 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर 3 ऑफ मेन मेमोरी. तो जो आपका पेज नंबर 2 है वो मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 3 पर स्टोर है. एंड देन आई कैन फाइंड आउट द फ्रेम नंबर. तो मुझे फ्रेम नंबर मिल जाएगा, राइट? सो आई विल फाइंड आउट द फ्रेम नंबर एंड आई विल कॉपी दिस ऑफसेट एंड आई कैन डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम एंड आई कैन टेक आउट
द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, देखो ऑफसेट का मतलब क्या, व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब ये है कि व्हाटएवर पेज यू वांट टू एक्सेस इन दैट पेज वेयर इज योर इंस्ट्रक्शन. जो भी पेज आप एक्सेस करना चाहते हैं उस पेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करनी है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट यू वांट टू एक्सेस इंस्ट्रक्शन नंबर 5 हियर. सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इनसाइड दैट पेज, उस पेज के अंदर उस इंस्ट्रक्शन की लोकेशन क्या है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. सो बेसिकली इन दिस केस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेज टेबल टू स्टोर द लोकेशन ऑफ एवरी पेज इन द भिन मेमोरी. ओके, सो दिस वॉज योर पेजिंग कॉन्सेप्ट, राइट? आई थिंक यू रिमेंबर इट, आप सभी को ये याद होगा. ओके, देन वी डिस्कस्ड पेजिंग विथ TLB. TLB मीन्स ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. उसके बाद हमने पेजिंग विथ ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर को डिस्कस किया था. आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज, तो आप सभी को साथ ये विजिबल होगा. ओके, सो आई होप ये सभी के साथ विजिबल होगा, फाइन. सो दिस इज पेजिंग विथ TLB. TLB इज ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. सो बेसिकली TLB इज अ हार्डवेयर वेयर वी स्टोर सम एंट्रीज ऑफ द पेज टेबल. जनरली होता क्या है कि जो आपकी पेज टेबल है, दिस पेज टेबल इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मेन मेमरी. तो आपकी जो पेज टेबल है वो भी मेन मेमरी के अंदर स्टोर होती है. लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अगेन. सो इफ दिस इज योर मेन मेमरी और कैन से फिजिकल एड्रेस स्पेस, एंड दिस फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड इन टू फ्रेम्स लाइक दिस, एंड CPU जनरेटेड एन इंस्ट्रक्शन. ये CPU है, CPU जनरेटेड एन एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. CPU ने एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट किया है, एंड दिस एड्रेस इज योर लॉजिकल एड्रेस. ओके, देन CPU विल टेक दिस लॉजिकल एड्रेस, इट विल डिवाइड दिस लॉजिकल एड्रेस इन टू पेज नंबर एज वेल एज पेज ऑफसेट. उसने इस लॉजिकल एड्रेस को पेज नंबर और पेज ऑफसेट के अंदर डिवाइड किया. एंड दिस पेज टेबल इट्सेल्फ, जो भी हमारी पेज टेबल है, दैट पेज टेबल विल ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द मेन मेमरी. जो भी आपकी पेज टेबल है वो भी आपकी मेन मेमरी के अंदर ही स्टोर होगी. ओके, सो हियर यू कैन सी ये जो पेज नंबर है, आई एम गोइंग टू टेक दिस पेज नंबर, आई विल कंसल्ट दिस पेज टेबल. मैं इस पेज टेबल को कंसल्ट करूंगा, एंड देन दिस पेज टेबल विल टेल अस व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पेज दैट आई एम लुकिंग फॉर. उस पेज की लोकेशन क्या है जो मैं अभी देख रहा हूँ. सो देन फ्रॉम हियर यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम. सो अज्यूम दिस इज अ फ्रेम नंबर 2, एंड इन दिस फ्रेम नंबर 2 इफ दैट पेज इज प्रेजेंट, देन फ्रॉम दिस पेज यू कैन एक्सेस द इंस्ट्रक्शन. उस इंस्ट्रक्शन को आप एक्सेस करेंगे, एंड देन यू कैन सेंड दिस इंस्ट्रक्शन टू द CPU. आप उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेंगे और फिर आप उस इंस्ट्रक्शन को CPU के पास भेज सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दिस पेज टेबल इट्सेल्फ, जो पेज टेबल है, दिस पेज टेबल विल ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द मेन मेमरी, एंड यू कैन सी मेन मेमरी स्लो, राइट? मेन मेमरी जो है, एक्सेस टाइम है जो मेन मेमरी का, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनो सेकेंड. मेन मेमरी एक्सेस टाइम इज 10 नैनो सेकेंड्स. सो ऑब्वियसली इफ द मेन मेमरी एक्सेस टाइम इज 10 नैनो सेकेंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन मेन मेमरी एक्सेस हियर. आपको एक मेन मेमरी एक्सेस लगेगा पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए. आफ्टर दिस यू विल डू द सेकेंड मेन मेमरी एक्सेस टू एक्सेस दिस फ्रेम. पहले तो आप मेन पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, फिर आप फ्रेम को एक्सेस करेंगे. सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएटेड अ न्यू हार्डवेयर. हमने एक नए हार्डवेयर को क्रिएट किया, एंड वी कॉल्ड दिस हार्डवेयर एज ए TLB, दैट इज ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. सो व्हाट डू वी डू इन TLB? TLB के अंदर वी टेक अ फ्यू एंट्रीज हियर. फ्यू एंट्रीज मीन्स द पेजेस दैट वी आर फ्रिक्वेंटली रेफरिंग. जो भी पेजेस आपके फ्रिक्वेंटली रेफर्ड पेजेस हैं, वी टेक दोज फ्यू एंट्रीज एंड वी स्टोर दोज फ्यू एंट्रीज इन द TLB. तो TLB के अंदर हम स्टोर करेंगे दिस इज द पेज नंबर 0 एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ पेज नंबर 0, दिस इज द पेज नंबर 5, दिस इज द लोकेशन ऑफ पेज नंबर 5, एंड सो ऑन. सो बेसिकली यू कैन यूज दिस TLB, यू कैन यूज द ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, सो दैट द पेज टेबल एक्सेस टाइम कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. आपका जो पेज टेबल एक्सेस टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, इफ यू चेक इट, if you are just accessing the page table 2 times, I mean if you are just accessing the main memory 2 times, one time to access the page table and second time to access the frame, in that case you are going to utilize 10 nanosecond here, and 10 nanosecond it will take us 20 nanosecond. ye aapko 20 nanosecond ka time lagega. but if your TLB access time is only 2 nanoseconds, agar aapko TLB access time aapka 2 nanoseconds ka hai, then CPU will refer the TLB. अगर TLB में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन CPU विल डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर फ्रेम एंड इट कैन एक्सेस द पेज. सो इफ द TLB एक्सेस टाइम इज 2 नैनो सेकेंड,
देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट पेज इन जस्ट 12 नैनोसेकंड्स. आप उसको सिर्फ 12 नैनोसेकंड्स में एक्सेस कर पाएंगे. सो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर सो दैट वी कैन रिड्यूस द पेज टेबल एक्सेस टाइम. हम पेज टेबल का जो एक्सेस टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं. वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर सो दैट वी कैन रिड्यूस द पेज टेबल एक्सेस टाइम. ओके, आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइस. ये आप सभी के साथ क्लियर होगा. ओके, सो दिस टीएलबी, इफ यू रिमेंबर इट, आई हैव शोन यू, ये जो टीएलबी आपके पास है, दिस टीएलबी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीपीयू. अगर आप सीपीयू का आर्किटेक्चर अगर आप चेक करेंगे, सो इन दिस सीपीयू आर्किटेक्चर हियर यू कैन सी वी ऑल्सो हैव दिस टीएलबी, जो आपका ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर है. सो दिस ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सीपीयू. जो ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर है वो भी आपके पास सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट है. सो बेसिकली दिस आर वेरी क्लोज एज कम्पेयर टू सीपीयूज. तो सीपीयू के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है. सो जनरली द एक्सेस टाइम विद द टीएलबी इज वेरी लो. टीएलबी एक्सेस टाइम जो है आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है. ओके, सो व्हाट इज द टोटल कॉन्सेप्ट. टोटल कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले सीपीयू इज गोइंग टू जनरेट सम लॉजिकल एड्रेस एंड वी विल टेक दिस लॉजिकल एड्रेस एंड देन वी विल सर्च दैट पेज इन द ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर. अगर उस पेज की जो एंट्री है वो ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर के अंदर अवेलेबल है, इफ द एंट्री ऑफ दैट पेज इज प्रेजेंट इन द ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, देन आई कैन डायरेक्टली गो टू द फिजिकल एड्रेस एंड आई कैन एक्सेस द इंस्ट्रक्शन. तो हम डायरेक्टली उस फिजिकल एड्रेस पर जाएंगे मेन मेमोरी के अंदर और उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेंगे. बट इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द टीएलबी, दैट इज कॉल्ड एज टीएलबी मिस. उसको हम बोलते हैं टीएलबी मिस. देखो टीएलबी हिट का मतलब क्या था? टीएलबी हिट मींस व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन वी वांटेड टू फाइंड, सो दैट इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द टीएलबी, और कैन से द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज जिसमें वो इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टीएलबी के अंदर प्रेजेंट है. सो टीएलबी हिट मींस इंस्ट्रक्शन इज ऑल प्रेजेंट इन द टीएलबी एंड वी कैन एक्सेस इट. एंड इफ आई से टीएलबी मिस, तो टीएलबी मिस का मतलब क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें एक्सेस करनी है, व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन वी वांट टू एक्सेस, सो द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेज ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द टीएलबी. सो इन दैट केस आई हैव टू एक्सेस द पेज टेबल. और ये पेज टेबल कहाँ पर होगी? दिस पेज टेबल विल बी प्रेजेंट इन मेन मेमोरी एंड देन आई कैन जनरेट द फिजिकल एड्रेस. अगेन आई कैन एक्सेस द पर्टिकुलर फ्रेम फ्रॉम द मेन मेमोरी. तो हम मेन मेमोरी से उस फ्रेम को एक्सेस कर पाएंगे. ओके, तो अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, टीएलबी हिट और टीएलबी मिस. ओके, आई थिंक यू रिमेंबर इट, हमने इसको स्टडी किया था. देन आई टोल्ड यू दैट इन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू हैव योर फिजिकल प्रोग्राम्स, तो जो आपके फिजिकल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर जो आपका डिवीजन होता है वो एक, जैसे हमारे पास अगर हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इन योर पेजिंग कॉन्सेप्ट वी डू नॉट लुक एट द सेगमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. इन योर प्रोग्राम यू कैन हैव वेरियस डिफरेंट सेगमेंट्स. यू कैन हैव अ मेन फंक्शन, यू कैन हैव अ स्टैक, यू कैन हैव ट्री, राइट, यू कैन हैव डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस. आपके पास बहुत सारे अलग अलग जो फंक्शंस हैं, यू मेट बी हैविंग डिफरेंट प्रोसीजर्स. हम उस व्यू को टीएलबी के अंदर या पेजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उस व्यू को हम लोग नहीं देखते हैं. सो व्हाट वी डन इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेगमेंटेशन. हमने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन. सो व्हाट डज द सेगमेंटेशन डू? सेगमेंटेशन का मतलब क्या था? सेगमेंटेशन मीन्स व्हाटएवर सेगमेंट्स यू हैव इन योर प्रोग्राम, व्हाटएवर सेगमेंट्स यू हैव इन योर प्रोग्राम, यू आर गोइंग टू स्टोर दीज सेगमेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस इन द मेन मेमोरी. तो जितने भी सेगमेंट्स हैं आप उसको मेन मेमोरी के अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करेंगे. जैसे लेट अस अज्यूम दिस इज द सेगमेंट नंबर 0, दिस इज द सेगमेंट नंबर 1, दिस इज द सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3 एंड सेगमेंट नंबर 4. तो आपके पास जो प्रोग्राम है, इन योर प्रोग्राम यू हैव वेरियस डिफरेंट सेगमेंट्स. देन इन योर मेन मेमोरी, सो दिस सेगमेंट नंबर 1 इज स्टोर्ड फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन 6300 टू 6800. दिस सेगमेंट नंबर 2 इज स्टोर्ड फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन 4300 टू 4700. This segment number 3 is stored from the address location 3200 to 4300. This segment number 0 is stored in some locations. So, humne basically instead of dividing the process, jo process aapke paas thi, instead of dividing the process into pages, we have divided the entire process into various segments. And we have stored these segments in various locations of the main memory. And then I'm going to maintain something called as a segment table, which will tell ki jo is segment hai main memory pe kahan par store hai. So, for example, you have your main function. आपका जो main function है, main function में segment number 0. So, this segment number 0
is stored from the memory location 1500. तो जो सेगमेंट नंबर जीरो है वो मेमोरी लोकेशन 1500 से स्टोर है, और इसका टोटल साइज कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ सेगमेंट नंबर जीरो, द साइज इज 1500. सो दिस इज द साइज. ओके, सो आई मीन दिस इज टू थिंग्स, वन इज लिमिट, सेकंड इज बेस. सो लिमिट इज टेलिंग अस द साइज, बेस इज टेलिंग अस द लोकेशन. फॉर एग्जांपल हियर इट इज स्टोर्ड फ्रॉम द बेस एड्रेस ऑफ 1500 एंड द साइज ऑफ द सेगमेंट नंबर जीरो इज 1500. ओके, इफ यू लुक एट द सेगमेंट नंबर टू, सेगमेंट नंबर टू इज स्टोर्ड फ्रॉम द बेस एड्रेस 4300. ओके, एंड द टोटल साइज ऑफ सेगमेंट नंबर टू इज 400 बाइट्स. तो सेगमेंट नंबर टू का जो टोटल साइज है वो 400 है. सो दिस इंफॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट नंबर टू, कि जो सेगमेंट नंबर टू है वो 4300 से स्टोर्ड है और जो उसका जो टोटल साइज है वो 400 है, वो हमने यहाँ पर स्टोर किया. सो बेसिकली इन योर सेगमेंट टेबल वी विल बी स्टोरिंग व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स इन द मेन मेमोरी एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दीज सेगमेंट्स. इन सेगमेंट को हमने मेन मेमोरी पे कहाँ कहाँ पर स्टोर किया और उसका साइज क्या था. ओके, आई होप दिस मच इज ईजी, इतना सभी को समझ आया होगा. ओके, क्लियर? नाउ सो इन दिस सेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेगमेंट टेबल का यूज किया था. सो सेगमेंट टेबल, सो वट एवर लॉजिकल एड्रेस द सीपीयू विल जनरेट, सो लेट अस अज्यूम दिस इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सीपीयू, देन वी विल टेक दिस लॉजिकल एड्रेस एंड वी विल रेफर द सेगमेंट टेबल. वी विल फाइंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो मेन मेमोरी पे कहाँ पर स्टोर है. वी कैन गो टू दैट लोकेशन एंड वी कैन एक्सेस इट. ओके, एंड आई थिंक दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. देन वी ऑल्सो कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन विद पेजिंग. हम लोगों ने सेगमेंटेशन विद पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर किया था. वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन विद पेजिंग. अब देखो, सेगमेंटेशन विद पेजिंग का मतलब क्या था? इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड योर प्रोसेस इन टू वेरियस सेगमेंट्स. आप सबसे पहले प्रोसेस को अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू डिवाइड दोज सेगमेंट्स इन टू पेजेस. सबसे पहले प्रोसेस को आप सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और फिर उन सेगमेंट्स को हम पेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पेज टेबल फॉर एवरी सेगमेंट. हम हर एक सेगमेंट के लिए एक पेज टेबल को क्रिएट करेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी व्हाट वी हैव डन इन दिस केस. इन दिस केस आई हैव टू मेंटेन अ सेगमेंट टेबल. सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक सेगमेंट टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आई हैव टू मेंटेन अ पेज टेबल, उसके बाद हमें पेज टेबल को भी मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, सो सेगमेंट टेबल मींस कि जो सेगमेंट जिसको हम रेफर कर रहे हैं वो सेगमेंट कहाँ पर स्टोर है और उस सेगमेंट के किस पेज की बात कर रहे हैं. सो दैट वी विल बी लुकिंग फ्रॉम द पेज टेबल. आई थिंक यू ऑलरेडी रिमेंबर इट, आप सभी को याद होगा. तो ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पज. ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट अवर मेन टॉपिक. सो in operating system we discussed about this main memory and virtual memory mapping, and here in computer architecture we are going to discuss about this cache memory and cache memory. Hum yahan par cache memory aur cache mapping ke bare mein discuss karne wale hain. Okay, clear? Fine, so is it clear? Itna sabhi ke sath hai, can we start our topic? Okay, can we start our topic? Let me take a glass of water. ओके, सो वर्चुअल मेमोरी जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड आई थिंक देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट इन द सेशन. जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सेशन है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं नए वाले वो जा चुके हैं. इफ दोज आर प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट नहीं है प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन ऑल्सो कम बैक एंड ज्वाइन, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक. अभी तक जो था वो हमने प्रीवियस कवर किया था.
we have already covered the previous topics today. I mean, I've given you a brief idea of the previous topic that we have covered in the past, okay? So today, Anjali, I think because the amount of time that are left, according to this time, I will be able to cover only one topic, which is direct mapping. Okay? So, jaldi se sabhi join kar lijiye so that we can start. Okay? Great, Jyoti, Amit, Venkat Reddy, Sapan. Red water, yeah. चलो लेट अस डू दिस. तो अब अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो द टॉपिक हियर इज योर कैश मैपिंग. जो आपका टॉपिक है वो है कैश मैपिंग एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कैश मेमोरी. ठीक है, आई विल बी स्लो, तो मैं काफ़ी स्लो रहूँगा. सो आई विल बी वेरी वेरी स्लो ताकि आप सभी को समझ में आए, ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कैश मेमोरी. सो इन दिस कैश मैपिंग देयर आर थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स. वन इज योर डायरेक्ट मैपिंग. पहला है आपका डायरेक्ट मैपिंग. द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटिव. सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका एसोसिएटिव मैपिंग एंड योर थर्ड कॉन्सेप्ट इज योर सेट एसोसिएटिव मैपिंग. डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स प्लीज मेक नोट्स. यस, सो प्लीज मेक नोट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड बिकॉज मेकिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अब तक जो हमने किया था, वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार इन द पास्ट, दैट वॉज जस्ट फॉर यू नो, दैट वॉज जस्ट लाइक अ रिविजन. तो वो हमने सिर्फ एक रिविजन कॉन्सेप्ट को कवर किया था. सो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग आवर मेन टॉपिक. अभी जो है हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई वॉन्ट टू कवर ऑल थ्री ऑफ देम. मैं तीनों कवर करना चाहता था बट आई विल स्टार्ट विद डायरेक्ट मैपिंग ओनली. आज मैं सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग से स्टार्ट करूंगा. तो ये डायरेक्ट मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट इज दिस डायरेक्ट मैपिंग. तो डायरेक्ट मैपिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट मैपिंग, सो दिस इज योर डायरेक्ट मैपिंग. ठीक है, सो व्हाट इज, सो बेसिकली दिस इज योर मेन मेमोरी. ठीक है, दिस इज योर मेन मेमोरी. नाउ हियर वी डिवाइड दिस मेन मेमोरी इनटू समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक्स. हम इस मेन मेमोरी को ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ब्लॉक इन द मेन मेमोरी. ये जो है एक मेन मेमोरी के ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड देन वी हैव योर कैश मेमोरी. एंड वी डिवाइड दिस कैश मेमोरी इनटू समथिंग कॉल्ड एज कैश लाइंस. हम इसको कैश लाइंस के अंदर डिवाइड करते हैं. दिस इज कैश लाइंस. Okay, so we divide the cache memory into something called as a cache line. Okay? Now, in this case, so let me take some sample size. Sabhi ka kuch sample size leta hu, taki aapko aur better idea lage, so that you can understand clearly. Let us assume that your cache memory size, jo aapka cache memory ka size hai, that is of 16 bytes. So I'm taking this size so that we can make the problem as easy as possible. ताकि आप सभी के साथ जो problem है उसको मैं और जितना आसान हो सके, जितना easy हो सके वो बना सकूँ. और if you want it, I can also take a bigger size. But I think 16 KB is fine. So let us assume, I mean 16 byte is fine. So the cache memory size is 16 bytes.
एंड लेट अस अज्यूम दैट मेन मेमोरी जो साइज है आपका, जो मेन मेमोरी का साइज है, दैट इज इक्वल टू 32 बाइट्स. आपका जो मेन मेमोरी का साइज है वो टोटल 32 बाइट्स का है. ओके ठीक है. और आई कैन ऑल्सो टेक अ बिगर साइज. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज लेता हूँ. आई कैन टेक द साइज एज 128 बाइट्स. जो मेन मेमोरी का साइज है वो आपके पास 128 बाइट्स का है. ठीक है. अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लुक एट वेरी वेरी केयरफुली. अब थोड़ी सी चीज़ें हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, लुक एट वेरी वेरी केयरफुली. सो लेट अस अज्यूम दैट योर कैश लाइन साइज विल बी इक्वल टू 4 बाइट्स. कैश लाइन का जो साइज है वो 4 बाइट का है. सो जनरली दिस ब्लॉक साइज इक्वल टू द कैश लाइन साइज. तो जो आपका ब्लॉक का साइज होता है, दिस ब्लॉक साइज, इट इज इक्वल टू द लाइन साइज. जो आपका ब्लॉक का साइज है वो आपके लाइन साइज के इक्वल होगा. ओके. सो दैट मीन्स व्हाट इज द नंबर ऑफ कैश लाइंस. यहाँ पर कितनी कैश लाइंस होंगी? नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी होगी यहाँ पर? द नंबर ऑफ कैश लाइंस विल बी 16 बाइट्स डिवाइड बाय 4, विच इज इक्वल टू टोटल ऑफ 4. यानी कि यहाँ पर आपके पास टोटल 4 लाइंस हैं. दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर लाइन नंबर 0, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3. तो ये जो है ये आपकी कैश लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ मेनी लाइंस डू वी हैव? वी हैव टोटल ऑफ 4 लाइंस. एंड व्हेन यू लुक एट दिस मेन मेमोरी, देन हाउ मेनी ब्लॉक्स इन दिस मेमोरी आर देयर? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पर मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स हैं? सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर 128 डिवाइड बाय 4. 128 को 4 से डिवाइड करो, हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर? सो देयर विल बी टोटल 32 ब्लॉक्स. यहाँ पर टोटल आपके पास 32 ब्लॉक्स होंगे. ओके. सो दिस इज अज्यूमिंग ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, अप टू सो ऑन ब्लॉक नंबर 31. सो सॉरी. क्लियर? आई होप दिस मच इज क्लियर. सो यू हैव टोटल ऑफ 32 ब्लॉक्स हियर. तो कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर आपके पास? 32 ब्लॉक्स. नाउ व्हाट वी डू इज, सो इफ सीपीयू, सो वी कैन स्टोर सम ऑफ दीज ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बिकॉज जो ब्लॉक्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रेफर्ड होते हैं, आई मीन दोज ब्लॉक्स विच आर रेफर्ड वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली, वी टेक दोज ब्लॉक्स फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड वी स्टोर दोज ब्लॉक्स इन द मेन मेमोरी. ओके. तो जैसे यहाँ पर आपके पास ब्लॉक नंबर 2 है, सो वी कैन स्टोर ब्लॉक नंबर 2 इन टू लाइन नंबर 0. आई कैन स्टोर ब्लॉक नंबर 31 इन टू लाइन नंबर 1. आई कैन स्टोर ब्लॉक नंबर 0 इन लाइन नंबर 2 एंड आई कैन स्टोर ब्लॉक नंबर 4 इन लाइन नंबर 3. ठीक है. तो जो भी ब्लॉक्स हैं आपके पास, ओके, सो जो भी आपके पास यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, वी स्टोर दीज ब्लॉक्स इन वन लाइन ऑफ द कैश मेमोरी. हम इन ब्लॉक्स को कैश मेमोरी के एक लाइन पे स्टोर करते हैं. ओके इतना क्लियर है? सो वी कैन स्टोर दीज ब्लॉक इन तो कैश मेमोरी. सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. अब व्हाट डज सीपीयू डू? सीपीयू विल जनरेट एन इंस्ट्रक्शन. सीपीयू विल से दिस इज द इंस्ट्रक्शन आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट. सीपीयू विल जनरेट द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ओके, आई मीन इट विल गेट अ फिजिकल एड्रेस. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखो होता क्या है, द एंटायर प्रोसेस क्या है हमारे पास. What is the entire process? Let me tell you the process step by step. So this is your CPU, okay? First of all, CPU will generate a virtual address, or you can say logical address. Then using this virtual address, I will generate something called as a physical address. Is virtual address ki help se hum ek physical address ko generate karenge. So how do you translate this virtual address to physical address? Hum virtual address ko physical address mein kaise translate karte hain? We do it with the help of your paging concept. जो हमारा operating system है, हमने paging concept को study किया था. We use that concept to translate this virtual address to the physical address. Now let us assume that CPU is already having your physical address. CPU के पास already अब एक physical address आ चुका है. CPU already have
द फिजिकल एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट. सीपीयू जो है जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है उसका फिजिकल एड्रेस अब आपके पास आ चुका है. क्लियर? फाइन. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द साइज ऑफ दैट फिजिकल एड्रेस? उस फिजिकल एड्रेस का साइज क्या होगा? सो अज्यूमिंग दिस इज योर फिजिकल एड्रेस, सो आई एम जस्ट स्किपिंग वन स्टेप. सो व्हाट इज द साइज ऑफ दैट फिजिकल एड्रेस? यहाँ पर उस फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा? जल्दी से कोई बता सकता है मुझे चैट विंडो के अंदर? प्लीज टेल मी क्विकली व्हाट विल बी द साइज ऑफ दैट फिजिकल एड्रेस. उस फिजिकल एड्रेस का साइज क्या होगा? सो इफ यू चेक इट, तो आपकी जो मेन मेमोरी है, दिस मेन मेमोरी इज 128 बाइट्स. जो मेन मेमोरी है आपके पास वो 128 बाइट्स की है. एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 raised to power हाउ मच? 2 raised to power 7. तो जो आपके पास 2 raised to power 7 बाइट्स के इक्वल होगा. ओके, सो 2 is 4, 3 is 8, 2 is power 4 is 16, 2 is power 5 is 32, 2 is power 6 is 64, 2 is power 7 is 128. So this address, this size is of 2 is power 7 bytes. So I can say that your physical address will be of 7 bits. तो आपका जो physical address है वो 7 bits का होगा, right? ये मेरे पास कैसे है? How I found it? तो जो आपका main memory था, that means your physical address space, जो आपकी main memory थी, so this main memory was of 128 bytes that I can write as 2 raised to power 7 bytes. So I can say your physical address, जो आपका physical address होगा, this physical address will be of 7 bits. तो जो आपका physical address है वो 7 bits का होगा. Okay, so CPU will generate a 7 bit of physical address. CPU जो है वो आपका 7 bit का physical address generate करेगा. Okay? So यानी कि address का मतलब क्या है? ये 7 bit का मतलब क्या है? ये जो address है, ये address होगा main memory का, कि जिस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है वो मेन मेमोरी पर कहाँ पर स्टोर्ड है. वट एवर एड्रेस इट विल बी जनरेटिंग दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमोरी. जो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है, वट एवर इंस्ट्रक्शन आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, वट इज द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इन द मेन मेमोरी. जो इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है उस इंस्ट्रक्शन का मेन मेमोरी में एड्रेस क्या होगा? ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट द एड्रेस दैट सीपीयू जनरेटेड इज 1100101. सो दिस इज योर 7 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस. तो ये जो फिजिकल एड्रेस है आपका, ये 7 बिट का है. कितने बिट का है आपके पास? 7 बिट का. ठीक है, इतना समझ आया सबको? जल्दी से मुझे बता दीजिए चैट विंडो के अंदर क्विकली, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्या इतना आप सभी के साथ क्लियर है? इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइस? Great, 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 good, good, very good. Now, so the total आपके पास physical address generate हुआ है, so this total address is of 7 bits. यानी कि ये address है ऐसी instruction का, this is the address of an instruction which is present in main memory, जो कि आपकी main memory की instruction है, right? अब देखो main memory पर, if you look at your main memory is of 128 byte and your frame size, जो आपका frame size का हो, या फिर If you look at the block size here, this block size is of 4 byte. Block size jo hai 4 byte ka. Yani ki in block number 0, I'm going to store byte number 0, byte number 1, byte number 2, byte number 3. In block number 1, I'm going to store byte number 4, 5, 6 and 7. In block number 2, I'm going to store byte number 8, 9, 10 and 11. In block number 3, I'm going to store byte number 12, 13, 14 and 15. In the same way, in block number 31 के अंदर जो हमारा byte number होगा, this will be byte number 127, 126, 125 and 124. These are the byte numbers in block number 31. ये जो है block number 31 के bytes हैं. ठीक है? So now, whatever address CPU generated, ये जो पूरा जो address हमारे पास CPU generate किया है, ओके, लेट मी टेक इट स्मॉलर, थोड़ा सिंपलिसिटी पर्पस के एड्रेस को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ. सो दिस इज एड्रेस, वट एवर एड्रेस सीपीयू जनरेटेड, इफ यू लुक एट दिस एड्रेस इज प्रेजेंटिंग आई वांट टू एक्सेस बाइट नंबर 5. ये जो एड्रेस है वो ये बता रहा है
कि मैं बाइट नंबर 5 को एक्सेस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस बाइट नंबर 5, ओके क्लियर है. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस एड्रेस इंटू 3 पार्ट्स. हम इस एड्रेस को यहाँ पर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू से इट इज़ अ ब्लॉक ऑफसेट. इसको हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफसेट, ओके. सेकेंड विल बी रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंड एड्रेस विल बी रिप्रेजेंटिंग योर लाइन नंबर. तो सेकेंड एड्रेस होगा आपके पास, ये होगा लाइन नंबर. एंड द थर्ड एड्रेस विल बी योर टैग. जो तीसरा एड्रेस होगा यहाँ पर वो होगा टैग, ओके. सो अब ये ब्लॉक ऑफसेट का साइज कितना है, देखो मैं इसको भी फिर से क्लियरली देता हूँ. लेट मी राइट इट क्लियरली. इसको थोड़ा सा क्लियरली देता हूँ ताकि आप सभी के साथ और क्लियर रहे. सभी के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी शुड बी देयर. कोई भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, सब पूछ लो, राइट. क्या क्या पूछना है, आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति और दंपति, सब पूछ सकते हो, ओके ओके. या सो यू कैन सी योर फिजिकल एड्रेस हियर, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो आपका जो फिजिकल एड्रेस है यहाँ पर वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा. द फर्स्ट पार्ट हियर विल बी कॉल्ड एज योर ऑफसेट. जो पहला पार्ट है उसको हम लोग ऑफसेट बोलेंगे. द सेकेंड पार्ट विल बी कॉल्ड एज योर लाइन नंबर. एंड द थर्ड पार्ट विल बी कॉल्ड एज योर टैग. जो तीसरा पार्ट है हम उसको बोलेंगे टैग, ठीक है, क्लियर. फाइन. सो कितने पार्ट है हमारे पास, वी हैव द फर्स्ट पार्ट एज ऑफसेट, द सेकेंड पार्ट इज लाइन नंबर एंड थर्ड पार्ट इज टैग. अब देखो ऑफसेट का मतलब क्या है, व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब क्या है, ऑफसेट मीन्स हियर इन दिस ब्लॉक, विद इन दिस ब्लॉक व्हाट इज द बाइट नंबर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लॉक नंबर 1. सो इन ब्लॉक नंबर 1 व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बाइट दैट यू वॉन्ट टू रेफर. ब्लॉक नंबर 1 में उस बाइट की क्या लोकेशन है जो आपको रेफर करना है. सो इफ यू चेक इट, सो दिस इज 0 1 2 3. सो यू कैन चेक इट, इट इज द फर्स्ट बाइट इन ब्लॉक नंबर 1. ये ब्लॉक नंबर 1 का फर्स्ट बाइट है, ठीक है. देखो दो चीज़ें हो सकती है, लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया. इसका एक आपको ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ, लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया, ओके. देखो अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, सो दिस इज अ कॉलोनी, ठीक है. और यू कैन से इफ आई से दिस अ बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ कॉलोनी, आई कैन से इट इज अ बिल्डिंग. तो ये कोई बिल्डिंग है, लेट मी रब इट एंड लेट मी मेक अ बिल्डिंग फॉर यू गाइज. सो दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी एक बिल्डिंग है, राइट. इन दिस बिल्डिंग यू हैव मल्टीपल फ्लोर्स. सो हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राउंड फ्लोर. द हाउस नंबर इन द ग्राउंड फ्लोर इज हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3. द हाउस इन फर्स्ट फ्लोर इज हाउस नंबर 101, 102 एंड 103. हियर द हाउस नंबर इज 201, 202 एंड 203. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाउस नंबर एज 301, 302 एंड 303. तो बिल्डिंग में आपके पास ये सभी हाउस नंबर्स हैं. सो दीज आर द हाउस नंबर्स इन अ बिल्डिंग. नाउ इफ यू वांट टू आस्क, लेट अस अज्यूम दैट हिमांशु लिव्स इन हाउस नंबर 303. हिमांशु जो है वो हाउस नंबर 303 में रहता है. सो इफ आई हैव टू टेल यू द एड्रेस ऑफ माय हाउस, व्हाट आई कैन से, गो टू बिल्ड दिस बिल्डिंग एंड गो टू द हाउस नंबर 303. इस बिल्डिंग में जाओ और हाउस नंबर 303 में चले जाओ. सो From this 303, you can directly get the location, or you can say, go to the third floor. अब third floor पर जाओ, and then in the third floor, this is the third flat. ये third floor पे third flat है. Understood? क्या क्या तरीके हैं? First way is कि आप क्या करेंगे यहाँ पर? The first way is आप बता सकते हैं कि पूरी building में आपका house number कौन सा है. You can clearly say my house number is 303. And second way is I can say go to the third floor and find the third house in the third floor, correct? या फिर let us assume my favorite friend Aditya lives in house number 102. Aditya जो है house number 102 में है and Aditya's girlfriend is living in house number 201. Aditya की जो girlfriend है वो house number 201 पे है, ठीक है. So what I can say, what is the address of Aditya? I can say go to the first floor and find the second house.
what is the address of Aditya's girlfriend? Go to the second floor, find the first house. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, right? In the same manner, here if I want to find the address of this byte, अगर मुझे इस byte का address चाहिए, what I can say, go to the block number B1 and find the first byte. Block number B1 पर जाओ और first byte को find out करो. Or I can say, go to the B15. या तो मैं उसको complete address दे दूँगा या फिर मैं बता दूँगा कि B1 के अंदर जाओ और first byte को ले लो या फिर directly byte number 5 को access करो. So these are two ways. एक ही address को देने के दो तरीके हैं. These are two ways of giving the same address. एक address को देने के आपके पास दो तरीके हैं. Correct? So here in this case, when the CPU will generate this physical address, CPU जब इस physical address को generate करेगा, okay? So in this physical address, it will generate the address of exactly this byte. ये exactly इस byte का address generate करेगा. That means I want to have byte number 5. Now I can break this address into two parts. मैं इस address को दो part में divide कर सकता हूँ. First address is कि इस पूरे block के अंदर ये कौन सा byte है. So this is byte number 1 in the block number 1. ये block number 1 के अंदर byte number 1 है. This is the byte number 1 in the block number 1. Understood? So this byte number 1, this location is representing your offset. इस location को हम लोग offset बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Offset. इतना clear है सभी के साथ? Is it clear with all of you guys? क्या आप सभी के साथ ये clear है? So this is representing an offset. तो offset किसके ऊपर dependent होता है? The offset is dependent on the block size or line size. जो offset है आपके पास, वो block size या फिर line size के ऊपर dependent होगा. Okay? So here you can see, what is the line size? जो line size है वो कितना हमारे पास? The line size is 4 bytes. So 4 byte can be written as 2 raised to power 2 bytes. Therefore, the size of offset, offset का size कितना होगा हमारे पास? The size of offset is 2 bit. तो ये जो offset है हमारे पास, this offset will be of 2 bit. Offset का मतलब क्या है? कि find out, go to this particular block and from this block find this particular byte. इस block पर जाओ, इस byte को लो. इस block पर जाओ, इस byte को लो. This is what I want to find. So that means, in this entire address, these last 2 bit will be represented as offset. ये जो last की 2 bit है, ये offset को represent करेंगे. Clear आपके पास? इतना clear सभी के साथ? Is it clear with all of you guys? My dear friends, क्या आप सभी के साथ ये clear है? Sometimes I feel like I should become Shah Rukh Khan like this, है ना? Hey Kiran, ऐसा कुछ है ना? Sometimes I feel like I should be like that. I hope it is clear with all of you. सभी के साथ clear है? Good. Now secondly here, अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा क्या? When I say direct mapping, तो direct mapping का मतलब क्या है? Okay, so यहाँ पर direct mapping का मतलब क्या है? What do I really mean to say by direct mapping? Direct mapping का मतलब क्या है? Direct mapping means I can put a block in the cache memory, but that will be dependent on 2 bits. मतलब उसकी हर एक block की एक location होगी. I can put a block into a specific location in the cache memory. मैं एक block को एक specific location पर ही डाल सकता हूँ. Let me explain what I'm trying to say. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, right? So here you can see, what is the number of cache lines? देखो, look at very carefully because it is very complicated. अगर एक point भी miss करोगे, समझ में नहीं आएगा. You will not be able to understand even if you miss one single point. So what is the number of cache lines? कितनी cache lines हमारे पास? We have total 4 cache lines. कितनी कैश लाइंस आपके पास? 4 कैश लाइंस, राइट? सो विद 4 कैश लाइंस, अगर आपके पास 4 कैश लाइंस है, विद दीज 4 कैश लाइंस, ओके, सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ दीज 4 कैश लाइंस. अगर कैश का एड्रेस आपको रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट कि हम 4 में से किस कैश लाइन की बात कर रहे हैं, फॉर दैट आई नीड 2 बिट्स. सो दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2. सो आई कैन से इट इज 2 बिट ऑफ एड्रेस कि आप किस कैश लाइन की बात कर रहे हैं, ओके. So that means here, these 2 bits here, ये जो 2 bits हैं, this is going to represent your line number. ये जो 2 bits हैं, ये line number को represent करेंगे. These 2 bits, they are representing your line number. Clear है? So these 2 bits are representing your line number. Okay? And rest of these 3 bits, ये जितनी भी 3 bits यहाँ पर बची हैं,
दीज थ्री बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर टैग. जो तीन बिट आपके पास बची है ये यहाँ पर टैग को रिप्रेजेंट कर रही है. अब इसका मतलब क्या, वट डू आई रियली मीन टू से बाय दिस, इसका मतलब क्या है? सर क्या कहना चाहते हो सर, कुछ तो बोलो सर. सर क्या कहना चाहते हो सर, आपकी फीलिंग क्या है? राइट, वट डू आई रियली मीन टू से बाय दिस, इसका मतलब क्या है, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस. देखो दिस इज ब्लॉक नंबर 0, राइट, एंड दिस इज ब्लॉक नंबर 31. सो हर एक ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड 5 बिट्स. आई नीड 5 बिट्स टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक. सो हियर दिस एड्रेस इज 00000. दिस एड्रेस इज 00001. दिस एड्रेस इज 00010. दिस एड्रेस इज 00011. एंड दिस एड्रेस इज 11111. राइट, सो टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक आई नीड टोटल ऑफ 5 बिट्स. हर एक ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए. ठीक है, हर एक ब्लॉक का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 5 बिट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लॉक नंबर 0 है, तो हमें ब्लॉक नंबर 0 को कौन सी लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और अब ब्लॉक नंबर 0 इसमें से किस कैश लाइन पर आएगी वो अब हमें देखना है कि ब्लॉक नंबर 0. अब देखो जो ब्लॉक नंबर 0 है हम उसमें चेक करेंगे कि वो किस लाइन पे आएगा. सो दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द लाइन नंबर. ठीक है, सो हियर देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला. सो ऐसे कैसे ऑफसेट इन मेन मेमोरी एंड लाइन नंबर इन कैश. देखो सर्वज्ञ, व्हेन आई से दिस ऑफसेट, तो ऑफसेट जो है वो मेन मेमोरी पे भी हम डिस्कस करते हैं. ऑफसेट एंड ऑफसेट कैन बी प्रेजेंट इन कैश, वो दोनों में प्रेजेंट हो सकता है. वो मेन मेमोरी पे भी प्रेजेंट हो सकता है और वो कैश के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, क्लियर है, फाइन. अब अगर यहां पर आप चेक करोगे, इफ यू चेक इट हियर यहां पर जिस भी ब्लॉक के अंदर लास्ट की 2 बिट 00 होंगी, राइट. देखो यहां पर क्या है, जस्ट लुक इट हियर केयरफुली. लाइन नंबर 0 will be having an address of 00. Line number 1 will be having an address of 01. Line number 2 will be having an address of 10. Line number 3 will be having an address of 11. So, har ek line ka ek address hai. So, any block whose last 2 bit are 00, they can be placed in line number 0. Any block whose last 2 bit are 01, they can be placed in line number 1. Any block whose last 2 bit is 10, they can be placed in line number 2. Any block whose last 2 bit is 11, they can be placed in line number 3. कि जो address है block का, उसकी जो last की 2 bits हैं, उससे हम लोग line number को decide करेंगे. So basically, here these 2 bits are the line number. जैसे in line number 0, block number 0 can be present. Line number 0 में block number 0 पूरा आ सकता है. तो या तो यहाँ पर block number 0 आएगा, either we are going to get a block number 0 here, or we are going to have a block number 4 here, or we are going to have a block number 8 here. यानी कि जो सभी blocks who are block number 0, 4, 8, block number 12, block number 16, block number 20, block number 24, block number 28, block number 32, right? So all those blocks which are in multiples of 4, all of these blocks can be placed in line number 0. ये जितने भी blocks हैं, इसको हम line number 0 में place कर सकते हैं. Okay, and then all of the blocks where the last 2 bits are 01, jaise block number 1, block number 5, block number 9 and so on, all of these blocks can be placed in line number 1. Uske baad in line number 2 wo sabhi blocks aayenge jahan par last 2 bits jo hai 10 hai. I mean to say block number 2, block number 6, block number 10, we can place these blocks in line number 2. In the same way, in line number 3, I can place block number 3, I can place block number 7, I can place block number 11 and so on. So basically, jab hum yahan par jo direct mapping ki baat karte hain, in case of direct mapping, the location, direct mapping ke andar ki kaun sa block kis line mein aayega, which block will come in which line, that is already decided. यहाँ पर कौन सा ब्लॉक किस लाइन के अंदर आएगा, विच ब्लॉक विल बी इंसर्टेड इन विच लाइन, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग. सो बेसिकली दिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन नंबर. ये जो है ये एक लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि जो हम एड्रेस लेकर आए हैं. सो मीन दिस इंस्ट्रक्शन
दिस इंस्ट्रक्शन विल बी प्रेजेंट इन विच ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी. ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कैश मेमोरी के किस ब्लॉक पर प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज योर लाइन नंबर. ठीक है, इसको हम लोग लाइन नंबर बोलेंगे. एंड देन दिस टैग, अब ये जो टैग का मतलब क्या, व्हाट डू आई रियली मीन टू से बाय टैग. तो टैग का मतलब क्या है, इफ यू चेक इट हियर, तो यहां पर हमारे पास कितनी बिट्स बची, वी हैव 3 बिट्स. यहां पर कितनी बिट्स बची, 3 बिट. यहां पर कितनी बिट्स बची, 3 बिट्स. अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर जो टैग है, द टैग इज 000, दैट मींस योर ब्लॉक नंबर 0 इज प्रेजेंट इन दिस लाइन. इफ आई से हियर द टैग इज 100, 100 का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू टेक दिस टैग. टैग कितना हमारे पास, 100. एंड व्हाट इज द लाइन नंबर, लाइन नंबर इज 01. इफ यू चेक इट, ये नंबर क्या बनी, दिस नंबर इज आई थिंक 2 to the power 0, 1, 2, 3, 4. सो दिस नंबर इज 17, राइट. कितना नंबर बना आपके पास, आई थिंक ये 17. सो दैट मीन्स दिस ब्लॉक नंबर 17 इज प्रेजेंट इन दिस लाइन नंबर 1. इफ आई से हियर, यहाँ पर जो आपका टैग है, दिस टैग इज 110. ये टैग कितने बिट्स का होगा, यहाँ पर 3 बिट्स का, द टैग विल बी ऑफ 3 बिट्स. तो यानी कि इस ब्लॉक के अंदर, इफ आई से द टैग इज 110 एंड दिस लाइन नंबर इज 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज 16 + 8 + 2, दैट मीन्स हमारे पास 26, दैट मीन्स द ब्लॉक नंबर 26 इज करंटली प्रेजेंट इन दिस लाइन. यहाँ पर इस लाइन के अंदर ब्लॉक नंबर 26 प्रेजेंट है. ठीक है, ब्लॉक नंबर 26 प्रेजेंट. ओके, लेट मी मेक इट सिंपल. मैं इसको और सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ. लेट मी मेक इट सिंपल. ठीक है, आई होप दैट यू नोट इट डाउन. इसको नोट कर लिया तो सबसे डन लिख दीजिए. मैं इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. इफ यू हैव नोटेड इट डाउन, प्लीज राइट डन इन द चैट विंडो. I'll explain how did I get the tag value. Just give me a second. Please write done in the chat window if you have already noted this down in your notebooks. Thank you, Ananya. ग्रेट, सबने नोट डाउन कर लिया है, गुड. याक्षी डन, शारदा डन, अंजलि डन, नोफला डन, ज्योति डन, वेंकट रेड्डी डन, सपन डन, दिव्यांश डन, गुड. चलो गुड. लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेप बाय स्टेप. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. लेट मी ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, देखो, दिस इज योर मेन मेमोरी. ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट. एंड वी आर सेइंग दिस मेन मेमोरी इज ऑफ 128 बाइट्स. तो जो आपकी मेन मेमोरी है वो यहाँ पर 128 बाइट्स की है. एंड हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कैश मेमोरी. एंड आई एम सेइंग माय कैश मेमोरी इज ऑफ 16 बाइट्स. जो आपकी कैश मेमोरी है वो 16 बाइट्स. आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर एंड सिंपलर फॉर यू गाइज. सो हियर 16 bytes, and if I say the line size, जो कैश की line size होगा, the line size is of 4 bytes. So here, if the line size is of 4 bytes, that means your block size will also be 4 bytes. अगर आपका line size 4 byte का है, इसका मतलब है कि जो आपका जो block size होगा वो भी 4 bytes का होगा. Your line size is 4 bytes, so your block size will also be 4 bytes. ठीक है. Now in this case, what is the number of lines? यहाँ पर कितनी lines होंगी? The number of lines will be equal to 16 byte divided by 4 byte, which is equal to 4. आपके पास 4 lines होंगी. So we are going to have these 4 lines in the cache. So this is line number 0, this is line number 1, this is line number 2, and this is line number 3. These are the 4 lines in the cache. Okay? So instead of saying this, I can use bits to give the address of these lines. I can say this is the line number 0, so it is 00, line number 1, 01, line number 2, 10, line number 3, 11. तो ये क्या represent कर रहा है? These are representing the line numbers. ये line number को represent कर रहा है. It is representing the line number. Okay? क्या represent कर रहा है ये? Line number. Okay? In the same way, in your main memory, I can say, what is the number of blocks? कितने blocks होंगे हमारे पास? The number of blocks are going to be
number of blocks are going to be 128 divided by 4 which is equal to 32. यहाँ पर आपके पास 32 blocks होंगे. So that means to represent the address of one block, इसका मतलब है कि एक block का address represent करने के लिए to represent the address of one block I'm going to need 5 bits. हर एक block का address represent करने के लिए हमें 5 bits की requirement है. Okay? So here you can see, तो ये आपके पास complete main memory है, right? So I've divided this main memory into blocks. So this is block number 0, 0, 0, 0, block number 1, block number 2, block number 3, block number 4, up to so on, block number 31. तो ये आपके पास सभी blocks यहाँ पर आ गए. Clear हुआ इतना? I hope it is clear. Have I done any mistake? So see that was the complete address. Jo Nofla, that address that you are getting, the address you are getting 128. So this is the physical address. I'm not talking about the physical address. Yahan par main physical address ki baat nahi kar raha hu. I'm talking about this block address. So this entire main memory is of 128 byte, right? So your physical address will be of 7 bit. But if I say the block number, you can represent block number by 5 bits. आपका जो block number है, वो 5 bits का होगा. Okay? Clear? So when I say that your physical address is there, so this entire physical address will be of 7 bits. जो आपका physical address है, ये आपका 7 bits का होगा. Physical address will be of 7 bits from here to here. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पूरा physical address है, वो 7 bits का होगा. Okay? Clear? Thank you Sapan, but I didn't knew that this feature is also there. तो मुझे feature नहीं पता था. Thank you so much for your contribution. I'll check this feature on my channel. I've never checked this feature before. This is the very first time that something like this happened. चलो, anyways. Okay, let me explain this. मैं इसको explain कर रहा हूँ. Please focus here. तो here this entire physical address is of 7 bits. जो आपका पूरा physical address है, ये 7 bits का है. Okay? In these 7 bits, we are going to divide into 3 parts. जो पूरा आपका physical address है, this physical address, I'm going to divide this physical address into 3 parts. ये जो physical address है, ये हमने 3 parts के अंदर divide किया. Okay, so I'm going to divide this into 3 parts. So the first part here, first part will be called as your offset. जो पहला part है, उसको हम offset बोलेंगे. The second part will be called as your line number. And the third part will be called as your tag. So physical address ko teen part mein divide kiya, that is offset, line number and tag. Okay? Now look at very carefully. Ye offset kiske upar dependent hai? Offset kiske upar dependent hai? So offset is dependent on line size. Kiske upar dependent hai ye? Line size. Ye line size ke upar dependent hai. Okay? Ye line number kiske upar dependent hai? Kiske upar dependent hai? This is dependent on the number of lines. ये number of lines के ऊपर dependent है, okay? And this tag is total physical address minus number of lines minus the offset. Physical address में से आप line number के bits को और line size के bits को subtract करेंगे, then you can find out the tag. तो उससे उसको आपको tag मिलेगा, okay? Clear? So here you can see. तो अगर आप यहाँ पर check करेंगे, if you can see it here. तो यहाँ पर जो आपके पास साइज है, इफ़ यू सी जो ऑफसेट है, दिस ऑफसेट इज डिपेंडेंट ऑन योर लाइन साइज एंड योर लाइन साइज इज ऑफ 4 बिट. ऑफसेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपका लाइन साइज. द लाइन साइज जो है 4 बिट है, आई मीन 4 बाइट. लाइन साइज ऑफ 4 बाइट, राइट? 4 बाइट का मतलब क्या है? 4 बाइट का मतलब क्या है? दिस इज द बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2 एंड बाइट नंबर 3. दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर 4 बाइट्स. So I can give a number to every byte, right? So if I have to give a number to every byte, then how many bits are required to represent a line size? So that means we need only 2 bits. I can say this is byte number 0, byte number 1, this is byte number 2. Let me rub it again. So this is byte number 1, this is byte number 2, and this is byte number 3. So byte number 0, byte number 1, byte number 2, and byte number 3. So here you can see, if you look at it here, agar aap thoda dhyan se check karenge, here if you can see here, so that means I need 2 bits to represent every byte in a line.
हम लाइन में हर एक बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो बिट्स की जरूरत है. सो दिस ऑफसेट विल बी ऑफ टू बिट्स. ये ऑफसेट कितना होगा आपके पास? टू बिट्स का. एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? कितनी लाइन्स हैं यहाँ पर? वी हैव टोटल ऑफ फोर लाइन्स. सो टू रिप्रेजेंट द लाइन नंबर वी नीड टू बिट्स. चार लाइन्स है आपके पास, तो लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो बिट्स की जरूरत है. सो आई एम गोइंग टू राइट टू बिट्स हियर. तो यहाँ पर आपके पास टू बिट्स होंगे. ओके, देन वट इज द टैग साइज? टैग साइज कितना होगा? 7 - 2 - 2 विच इज इक्वल टू 3 bits. तो जो टैग है वो आपके पास 3 bits का होगा. क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर है सभी के लिए? इज इट क्लियर एवरीवन सो फार? सो धीरज, ऑफसेट इज डिपेंडेंट ऑन लाइन साइज एंड ब्लॉक साइज, बोथ द थिंग्स आर सेम बिकॉज लाइन साइज एंड ब्लॉक साइज बोथ ऑफ देम विल बी सेम. जो आपका लाइन साइज है और जो ब्लॉक साइज है, दोनों साइज आपके सेम रहेंगे. ओके, इज इट क्लियर? गुड, जल्दी से बता दीजिए इफ इट इज क्लियर. एनी डाउट सो फार? आई डोंट थिंक सो कि अब तक कोई डाउट होगा, बट आप उसे पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स. ओके, गुड. मेरी चाय ठंडी होगी आप सभी के वजह से, अब मुझे अपनी चाय गर्म करनी पड़ेगी. सो वेंकट, द लाइन साइज इज 16 byte. सो द एंटायर फिजिकल एड्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइन साइज. जो आपका फिजिकल एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस है वो आपका लाइन साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ योर फिजिकल एड्रेस इज ऑफ 7 bits, अगर आपका फिजिकल एड्रेस टोटल 7 bits का है एंड योर लाइन साइज इज 16 bytes, अगर आपका लाइन साइज 16 bytes का है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होगा कि आपका अगर 16 bytes जो है लाइन साइज है, तो उस केस में हमारे पास इन दिस कैश मेमोरी देर विल बी ओनली 1 line. तो कैश मेमोरी में यहाँ पर तो 1 line होगी. ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेप बाय स्टेप. हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे. वी आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप, तो सब कुछ क्लियर होगा. काफ़ी चीज़ें हैं, आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर, तो फोकस हियर, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना. लुक इट वेरी केयरफुली. ठीक है, लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से समझना. आई एम सेइंग दैट आई कैन स्टोर दिस वन हियर द लास्ट 2 bits इन दिस एड्रेस इज 00. यहाँ पर इसका लास्ट 2 bit कितनी आपके पास? 00. दैट मीन्स आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड आई कैन ओनली स्टोर दिस ब्लॉक इन दिस लाइन. यानी कि जहाँ पर जो भी आपके पास ब्लॉक एड्रेस है, सो इन योर ब्लॉक एड्रेस इफ द लास्ट 2 bits ऑफ द ब्लॉक एड्रेस इज 00, देन दिस ब्लॉक कैन ओनली बी स्टोर्ड इन द लाइन नंबर 0. तो ये जो ब्लॉक है इसको हम सिर्फ लाइन नंबर 0 पर ही स्टोर कर सकते हैं. इफ द लास्ट 2 bits आर 11, अगर लास्ट के 2 bits 11 है, आई मीन इफ फॉर अ ब्लॉक एड्रेस इफ द लास्ट 2 bits आर 11, दैट मीन्स आई कैन स्टोर दिस ब्लॉक ओनली इन द लाइन नंबर 3. हम इस ब्लॉक को सिर्फ लाइन नंबर 3 में ही स्टोर कर सकते हैं. ओके, देन इफ द लास्ट 2 bits आर 00, दैट मीन्स आई कैन स्टोर दिस ब्लॉक ओनली इन द लाइन नंबर 0. हम इस ब्लॉक को लाइन नंबर 0 में ही स्टोर कर सकते हैं. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 bits, लास्ट की 2 bits क्या है? अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 bits, द लाइन इन विच दैट ब्लॉक विल बी स्टोर्ड इट इज डिसाइडेड. वो जो ब्लॉक है उसको किस लाइन में स्टोर कर सकते हैं वो डिसाइडेड है. ओके, क्लियर? सो दैट मीन्स इन दिस लाइन नंबर 0, ब्लॉक नंबर 0 कैन कम, ब्लॉक नंबर 4 कैन कम, ब्लॉक नंबर 8 कैन कम, ब्लॉक नंबर 12 कैन कम, ब्लॉक नंबर 16 कैन कम, ब्लॉक नंबर 20 कैन कम, ब्लॉक नंबर 24 कैन कम एंड सो ऑन. यानी कि लाइन नंबर 0 पे वो सभी ब्लॉक आएंगे जिनका जो नंबर है वो इवन है. सो बेसिकली बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी. ओके, व्हाट वी रियली डू इज, हम लोग करते क्या है यहाँ पर, वट एवर दिस एड्रेस इज, यहाँ पर जो भी एड्रेस है, ओके, और कैसे वट एवर द ब्लॉक नंबर इज, जो भी ब्लॉक नंबर है, जैसे दिस इज ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 5, अप टू सो ऑन ब्लॉक नंबर 31. नाउ लुक इट वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, इट इज अ शॉर्टकट. सो वट एवर योर ब्लॉक नंबर इज,
whatever your block number is, if you do block number mod the line number of lines, mod the number of lines, number of lines, then you can tell ki ye jo block number hai kaun si line mein store hoga. So for example here, if I say that we have block number 23, agar aapke paas block number 23 hai, if you have block number 23, how many lines are there? 4. So block number 23 mod 4, so 23 mod 4 is 3. That means block number 23 can only be stored in the line number 3. Block number 23 ko hum sirf line number 3 par hi store kar sakte hain. Clear hai itna? Is it clear sarvagya? Ye aap sath clear hai? So that means I can take the block number, I can find the modulus of the block number with the, मैं ब्लॉक नंबर का मॉडुलस ले सकता हूँ यहाँ पर. आई कैन फाइंड द मॉडुलस ऑफ ब्लॉक नंबर विद द नंबर ऑफ लाइंस एंड आई कैन फाइंड कि वो जो ब्लॉक है वो कहाँ पर स्टोर होगा. क्लियर है इतना? आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, जैसे जैसे आई कैन से फ्रॉम हियर दैट वी हैव ब्लॉक नंबर 11. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर देयर? 4. सो आई कैन से 11 मोड 4. So 11 mod 4 is equal to 3. So that means block number 11 can only be stored here. Block number 11 ko hum bas yahan par store kar sakte hain. Kahan par store kar sakte hain? We can store block number 11 only in the line number 3. Hum bas block number 11 ko line number 3 ke andar hi store kar sakte hain. We cannot store it anywhere else. Fine. Now one more very interesting fact. Ye jo block number 11 hai, block number 11 hai, वट विल बी द एड्रेस ऑफ ब्लॉक नंबर 11? ब्लॉक नंबर 11 का एड्रेस क्या होगा? सो दिस ब्लॉक नंबर 11, इफ आई से ब्लॉक नंबर 11, सो हाउ डू यू राइट 11 इन 5 बिट्स? हम 11 को बाइनरी 5 बिट्स में कैसे लिखते हैं? सो 11 इन बाइनरी 5 बिट्स इज गोइंग टू बी 1011 एंड दिस इज 0. ठीक है, कैसे होगा? दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 8. ठीक है, सो 1 + 2 + 8 इज 11, करेक्ट? सो दिस इज ब्लॉक नंबर 11, राइट? सो यहाँ पर ये जो एड्रेस होगा, दिस एड्रेस में भी 01011 यहाँ पर एक एड्रेस आपके पास होगा. ओके, नाउ इन दिस एंटायर एड्रेस, नाउ लुक एट कैरी केयरफुली, इन दिस एंटायर एड्रेस व्हाई वी हैव स्टोर दिस ब्लॉक नंबर 11 इन लाइन नंबर 3? हमने इसको क्यों स्टोर किया वहाँ पर? बिकॉज ऑफ दीज लास्ट टू बिट्स. हमने इसको लास्ट की जो दो बिट्स हैं, दीज लास्ट टू बिट्स आर 11. That is why we have stored in line number 3. So जो आपके पास first की 3 bits हैं, these first 3 bits will become the tag. ये जो पहली 3 bit है, ये आपका tag बनेगा. That is 010. ठीक है, ये बनेगा आपका tag. So कहने का मतलब ये है, what do I really mean to say by this is, तो जो आपका tag है, with the help of this tag, with the help of the line number, I can find out which block is currently present in this cache line. इस cache line के अंदर कौन सा block इस समय पर प्रेजेंट है? विच ब्लॉक इज करंटली प्रेजेंट इन दिस कैश लाइन? क्लियर है सभी के साथ? इज इट क्लियर? फ्रॉम दिस आई कैन टेल विच ब्लॉक इज करंटली प्रेजेंट इन दिस कैश लाइन. अंडरस्टूड धीरज? धीरज आपको समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ टैग? सो इफ आई से हियर वी हैव द टैग एज 0011, आई मीन 001 यू हैव द टैग. यहां पर जो टैग है वो 011 है, आई मीन 001. क्या टैग है आपके पास? 001 एंड दिस इज द लाइन नंबर 10. सो कंबाइन लाइन नंबर विद टैग, सो टैग इज 001, लाइन नंबर इज 10. सो दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंटिंग 6. दैट मीन्स ब्लॉक नंबर 6 इज करंटली प्रेजेंट इन द लाइन नंबर 2. इस समय पर ब्लॉक नंबर 6 जो है वो लाइन नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट है. सो दैट मीन्स दिस ब्लॉक नंबर 6 विल बी प्रेजेंट हियर. ओके, इफ आई से द टैग हियर इज 001, यहाँ पर भी टैग क्या आपके पास? 001. सो दैट मीन्स कंबाइन देम, कंबाइन करो तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज 001 एंड दिस 01. सो दैट मीन्स 5. दैट मीन्स ब्लॉक नंबर 5 इज करंटली प्रेजेंट इन द लाइन नंबर 1. इसका मतलब है कि जो ब्लॉक नंबर 5 है वो लाइन नंबर 1 पे प्रेजेंट है. ओके सर्वज्ञ, इन 2 बिट टैग नहीं हो सकता था, 2 बिट टैग से नहीं हो सकता था. वाई? बिकॉज then you will be confused for a few blocks. मतलब आपके पास कुछ ऐसे यहाँ पर होंगे, मतलब आप confused रहेंगे. जैसे for example मैंने बता दिया कि line ये है, I can tell you this is a line, then you will be confused in this line which block is present. इस line में कौन सा block present है उसमें आप confused रहेंगे. If I just use 2 bit tag, so that means in one block
इन वन लाइन यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन टू ब्लॉक्स. आप दो ब्लॉक्स के बीच में कंफ्यूजन होंगे. इफ यू आर गोइंग टू मिस वन बिट हियर इन द टैग देन दो ब्लॉक्स के बीच में कंफ्यूजन होगी. इफ यू आर गोइंग टू मिस टू बिट्स इन द टैग देन यू आर गोइंग टू हैव कंफ्यूजन विद फोर ब्लॉक्स. सो हियर द टैग विल बी ऑफ थ्री ब्लॉक थ्री बिट्स ओनली. यहाँ पर जो टैग है वो थ्री बिट्स की ही होगी. ओके सो अनंत अदनान सेड इफ आई टेक अ टैग एज 00 द टैग इज 00110. अगर आपके पास ये टैग है सो इफ यू हैव दिस टैग सो दिस टैग मीन्स द लास्ट टू बिट्स आर आई मीन इफ यू टेक दिस एड्रेस सो हियर द लास्ट टू बिट्स आर 10. दैट मीन्स दिस कैन ओनली बी स्टोर्ड इन दिस ब्लॉक नंबर लाइन नंबर 2. इसको हम सिर्फ लाइन नंबर 2 में स्टोर कर सकते हैं. एंड द टैग दैट वी हैव इज 001 जो हम यहाँ पर यूज करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. ओके वासु दिस टैग इज डिपेंडेंट ऑन विच ब्लॉक इज करंटली स्टोर्ड हियर. यहाँ पर इस कैश लाइन के अंदर कौन सा ब्लॉक स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग टैग डिसाइड होगा. सो टैग इज डिपेंडेंट ऑन विच ब्लॉक इज करंटली स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर लाइन. कौन सा ब्लॉक स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग टैग डिसाइड होगा. ओके यस 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 एब्सोल्युटली राइट. वी आर गोइंग टू मेक द फर्स्ट थ्री बिट्स एज टैग. उस केस में हम जो पहली तीन बिट है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में उसको टैग समझेंगे. ओके सो ओके लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू. इसका पहले इस एक्सप्लेनेशन दूंगा. पहले फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू देन आई गो बैक टू दैट डायग्राम. ठीक है तो उसको हम बाद में गो बैक करेंगे. ओके सो दिस इज द डायरेक्ट मैप कैश. लेट अस गो विद द थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल. थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को गो थ्रू करते हैं. सो आई शो यू द क्वेश्चंस हियर. क्वेश्चंस में शो अप करूंगा. आई शो यू ऑल द क्वेश्चंस कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं. सो वी हैव डायरेक्ट मैप कैश. तो सबसे पहला हाउ कैन वी प्लेस अ कैश ब्लॉक इन द कैश. हम किस ब्लॉक को किस कैश में रखेंगे सबसे पहले ये चीज देखने की कोशिश करते हैं. विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इन विच कैश लाइन. सो यू कैन सी द सेट इज डिटरमाइंड बाय द इंडेक्स बिट डिराइव्ड फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक. सो जैसे ये आपके पास ये मेमोरी ब्लॉक है. आई मीन दिस इज द एड्रेस योर फिजिकल एड्रेस. ये आपका फिजिकल एड्रेस है. ओके सो इन दिस फिजिकल एड्रेस इफ आई रिमूव दिस ऑफसेट. अगर मैं ऑफसेट को रिमूव करूंगा देन दिस एंटायर विल बी एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक. ये जो है ये ब्लॉक नंबर होगा. दिस विल बी एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक. ओके सो किस लाइन में प्लेस करना है ऑन विच लाइन वी हैव टू डिटरमाइन. सो हियर द लाइन विल बी डिटरमाइंड बाय दीज लास्ट बिट्स. लास्ट के जो कुछ बिट्स हैं इससे हमारे पास लाइन डिटरमाइंड होगी. देन द मेमोरी ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द सेट आइडेंटिफाइड एंड द टैग इज स्टोर्ड इन द टैग फील्ड. सो लेट अस अज्यूम दैट हियर वी हैव 10. सो दैट मीन्स दिस विल बी स्टोर्ड इन द लाइन नंबर 2 and the rest of these bits will be used as a tag. जो अगली बची हुई bits है वो हमारे पास tag हो जाएगी. So these tags are placed in the cache memory. जो tag है हम इसको cache memory के अंदर लगा देंगे. Okay? Then if the cache line is previously occupied, then the new data replaces the memory block in the cache. Okay? So if अगर आपने cache memory के अंदर किसी दूसरे block को रखा हुआ था and if you are bringing a new block in the cache memory, then again the tag will change. तो आपका जो tag है वो वहाँ पर change होगा. Okay? Yes, absolutely right, Rashmi. That is right. Then to search a word in the cache के अंदर word को कैसे search करेंगे? The set is identified by the index bits of the address. ठीक है? मतलब जो हमें word को search करना है, जो हमें tag उसको search करना है कि main memory के अंदर है कि नहीं है. So for that we have to compare with the tag. Okay, second part ko let me explain the second part. Okay, so yahan tak samajh aaya. I mean I hope ye diagram aapko samajh aaya hoga. So first of all let us go through with this diagram. Kya ye diagram aapko samajh mein aaya? So this diagram is saying that here main memory size is 16 kilobytes, the memory block size is 4 bytes, the cache size is 256 bytes, the block size 4 byte, associativity is 1, number of sets is 64. Basically here you can see this main memory is of 16 kilobytes. So if you divide this main memory, then it will be divided into 4096 blocks. And then this is your cache memory. So it is of total, your cache memory is 256 bytes. So if you divide this into cache line, so we are going to have total of 64 cache lines. Yahan par aapke paas 64 cache lines hongi. And here, jo cache, jo tag aapke paas hoga, I think this tag will be of 5 bits. Okay. So you can see here they are saying that so jo total aapke paas address rahega is case mein. So here you can see
द मेमोरी साइज इज 16 KB, तो मेन मेमोरी साइज है वो 16 KB का है, सो दैट कैन बी रिटन एज 2^14 bytes. सो दैट मीन्स योर फिजिकल एड्रेस विल बी ऑफ 14 bits. तो जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो 14 बिट्स का होगा. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर 14 बिट्स फिजिकल एड्रेस. सो इन दिस 14 बिट्स फिजिकल एड्रेस योर ब्लॉक साइज इज ऑफ 4 bytes. ब्लॉक साइज आपका 4 bytes का है. सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज द लास्ट 2 bytes, यानी कि बाइट नंबर 0 एंड बाइट नंबर आई मीन लास्ट 2 bits. सो बिट नंबर 0 एंड बिट नंबर 1, लास्ट की जो 2 bits हैं, मैं 2 bits को यूज करूंगा एज ए ऑफसेट. एंड देन हियर वी आर गोइंग टू हैव 64 lines. आपके पास 64 lines होंगी. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज 6 bits हियर. यहाँ पर 6 bits यूज करेंगे फॉर इंडेक्स. मैं यहाँ पर 6 bits का इंडेक्स यूज करूंगा. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज रेस्ट ऑफ द बिट्स. कितनी बिट्स बची है आपके पास? वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ 6 more bits. सो रेस्ट ऑफ दीज 6 bits आर गोइंग टू बी यूज एज ए टैग. जो 6 bits है वो यहाँ पर टैग यूज होंगी. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल दिस टैग विल बी ऑफ 6 bits. टैग आपके पास 6 bit का होगा. ओके, दिस इंडेक्स that means your line number will be of total of 6 bits and your offset will be of 4 bits. Okay, I hope it is clear. अब देखो इसकी working क्या है, अब ये काम कैसे करेगा, working क्या है, ठीक है, काम कैसे करेगा. Let me explain the working. Associativity मैं बाद में बताऊंगा. I'm not explaining associativity as of now, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. Yes, suppose index is equal to line number. Yes, Adnan, I'll explain you the relations. तो जो रिलेशंस है वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. मे बी इन माय अपकमिंग क्लासेस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू टेक हियर. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लुक एट इट केयरफुली. हियर दिस इज योर कैश मेमोरी. ठीक है, कैश मेमोरी है. एंड इन दिस कैश मेमोरी इट विल बी आई एम गोइंग टू हैव दैट. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू से इट इज ब्लॉक नंबर 6. ब्लॉक नंबर 6 इज प्रेजेंट हियर. सो दिस इज लाइन नंबर 00, लाइन नंबर 01, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11. सो फॉर ब्लॉक नंबर 6 व्हाट इज द टैग, टैग क्या होगा हमारे पास? द टैग विल बी सॉरी ब्लॉक नंबर 6 कैन ओनली बी प्लेस्ड हियर. तो ब्लॉक नंबर 6 जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है. सो एज्यूमिंग हियर वी हैव ब्लॉक नंबर 159. सो हियर ब्लॉक नंबर 9 इज प्रेजेंट एंड हियर द ब्लॉक नंबर 7 इज प्रेजेंट एंड हियर द ब्लॉक नंबर 4 इज प्रेजेंट. Okay, fine. So if block number 4 is present here, then tag will be 001. If block number 9 is present here, in that case the tag is 010. If the block number 6 is present here, so the tag is 001. If the block number 7 is present here, in that case the tag is 001. So is tarike se aapke paas yahan par tag hoga. Okay, clear. Now when CPU will generate this physical address, जब आपके पास ये फिजिकल एड्रेस आएगा, व्हेन सीपीयू विल जनरेट दिस फिजिकल एड्रेस, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस फिजिकल एड्रेस इनटू 3 parts. फर्स्ट इज योर ब्लॉक ऑफसेट, सेकंड इज योर लाइन नंबर एंड थर्ड इज योर टैग. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस लाइन नंबर, मैं इस लाइन नंबर को लूंगा एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस लाइन नंबर टू अ मल्टीप्लेक्सर. ये जो लाइन नंबर आपके पास आएगा, सो व्हाटएवर बिट्स ऑफ लाइन नंबर इट इज, फॉर एग्जांपल इफ आई से द लाइन नंबर इज ऑफ 2 bits, अगर मैं बोलता हूँ कि लाइन नंबर जो है आपका वो 2 bits का है, if your line number will be of 2 bits. So that means in your multiplexer you are going to have 2 select lines. Aapke multiplexer mein 2 select lines hongi. Your multiplexer will be having 2 select lines. And according to these 2 select lines, this multiplexer will enable one of these outputs to give as a, right? Jo multiplexer kya karega, yahan se ek output dega. Aur wo output kaun sa hoga? 2 select lines hai. Whatever value it is, अगर value आपके पास 01 है यहाँ पर select lines की, that means it will take this tag of line number 1, ये line number 1 का tag लेगा, it will return this tag here, ये जो tag है line number 1 का, वो हमें इस tag को return करेगा, it will return the tag of line number 1, and using this tag, इससे हमें क्या मिलेगा, कि line number 1 का tag क्या है, और यहाँ से हमें मिलेगा, this is the tag of the physical address that we want. जिस जो भी इंस्ट्रक्शन का फिजिकल एड्रेस हमें टैग चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन whatever इंस्ट्रक्शन वी वांट, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए यहाँ पर, सो मे बी यू वांट अ इंस्ट्रक्शन एज दिस इज द एंटायर फिजिकल एड्रेस, राइट, सम फिजिकल एड्रेस इज देयर एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्शन आई विल टेक दिस टैग एंड आई विल टेक दिस टैग, मैं दोनों टैग्स को लूँगा. आई एम गोइंग टू यूज अ कंपैरेटर टू कंपेयर दिस टैग्स. तो मैं यहाँ पर
इन टैग्स को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर का यूज करूंगा. आई एम गोइंग टू यूज अ कंपैरेटर टू कंपेयर दीज टैग्स एंड यूजिंग दिस कंपैरेटर आई विल नो. सो यू नो कंपैरेटर के आउटपुट्स क्या क्या होते हैं. सो व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ कंपैरेटर. फर्स्ट कंपैरेटर का काम क्या है कि कंपेयर करना वेदर दीज टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, वेदर दीज टू नंबर्स विच वन ऑफ द नंबर्स इज बिगर विच वन ऑफ द नंबर इज स्मॉलर. सो इफ दिस कंपैरेटर विल से दैट बोथ ऑफ दिस टैग एज वेल एज दिस टैग इज सेम, ये दोनों में से जो अगर दोनों टैग यहाँ पर सेम है, इफ बोथ ऑफ दीज टू टैग्स आर सेम देन कंपैरेटर विल से वन एज एन आउटपुट. दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो हमें ब्लॉक चाहिए था वट एवर ब्लॉक वी वॉन्ट दैट ब्लॉक इज प्रेजेंट इन दिस लाइन. इसका मतलब ये है कि जो हमें ब्लॉक चाहिए वो जो ब्लॉक है वो इस लाइन के अंदर प्रेजेंट है. ओके तो ये वाला टैग कौन सा है, दिस इज द टैग ऑफ द ब्लॉक विच इज प्रेजेंट इन द लाइन. ये वाला टैग कौन सा है, दिस इज टैग ऑफ द फिजिकल एड्रेस दैट सीपीयू जनरेटेड. तो जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस है ये उस फिजिकल एड्रेस का टैग है और ये उस ब्लॉक का टैग है जो कि लाइन के अंदर स्टोर है. दिस इज द टैग ऑफ द ब्लॉक विच इज स्टोर्ड इन द लाइन एंड दिस इज द टैग ऑफ द फिजिकल एड्रेस दैट सीपीयू जनरेटेड. ओके सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दीज लाइन नंबर्स, आई कैन गिव दीज लाइन नंबर्स टू द मल्टीप्लेक्सर एंड देन दिस मल्टीप्लेक्सर विल कंपेयर विल टेक विल एनेबल वन ऑफ द इनपुट लाइन. जो भी यहाँ से इनपुट आ रहा था इट विल एनेबल वन ऑफ दिस इनपुट लाइन, इट विल गिव दैट इनपुट लाइन एज एन आउटपुट. सो आई कैन टेक दैट आउटपुट, आई कैन गिव दैट आउटपुट टू अ कंपैरेटर एंड दिस कंपैरेटर विल टेक दिस टैग, दिस कंपैरेटर विल टेक दिस टैग, इट विल कंपेयर बोथ ऑफ दिस टू टैग्स एंड देन दिस कंपैरेटर विल टेक टेल वट एवर ब्लॉक वी आर लुकिंग फॉर वेदर दिस ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द कैश मेमोरी और नॉट. जो ब्लॉक हमें चाहिए यहाँ पर, क्या ये वाला ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है. क्लियर है सभी के साथ, आई होप दिस मच इज क्लियर. आई होप दिस मच इज क्लियर. Yes, number of select lines will be equal to the number of bits. Number of bits in the index that will be equal to the number of select lines. Okay, काफी कुछ clear हुआ. Was it difficult? क्या ये difficult था? Enjoyed, मतलब मजा आया पढ़कर. Did you enjoy the working of cache memory so far? Story like, enjoyed, good. Very good. Fine. So I think the time is already about to be 7:30 or 8. So 8 hoga, so we'll continue our class tomorrow. वैसे by the way. So now you can read this theory कि हम word को यानी कि जो हम instruction को search करना चाहते हैं, how can we search this instruction? And this is the advantages of this one and disadvantage. So advantage or disadvantage हम बाद में discuss करेंगे. We are going to discuss about advantages and disadvantages. Okay? Later on we will discuss about advantage and disadvantage. Okay? So here you can see, इसके बाद I've taken lot of questions. We are not discussing the questions today, we will discuss the question tomorrow. तो जो questions हैं हम लोग कल discuss करेंगे आज की जगह पर. So this is one of the question. I've taken many questions here, काफ़ी सारे questions हैं. Even I will take previous year GATE and UGC NET questions. मैं GATE के भी questions लूँगा, UGC NET के भी question लूँगा. Even I will take questions from ISRO scientist. तो ये सभी questions हम लोग लेंगे and we are going to discuss all of these questions tomorrow. तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं. लेट अस डू दिस मच ओनली बिकॉज अदरवाइज इट यू गाइज विल बिकम सैचुरेटेड कम्प्लीटली. सो इफ यू कैन जस्ट डू वन थिंग, टेक दिस एज अ होमवर्क. सो आई डिस्कस अबाउट वर्ड टुमारो. वर्ड जो है मैं कल उसके बारे में डिस्कस करूंगा. सो टुमारो विल हैव अ क्लास एट 5 PM. कल जो हमारी क्लास है वो 5 PM रहेगी. द क्लास विल बी फ्रॉम 5 PM टू 7:30 PM अगेन टुमारो. सो Tomorrow I'll discuss all of these questions. Kal hum log jo hai wo, yes, tomorrow we'll have a class at 5 PM.
तो कल हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस टुमारो एंड आई होप दैट यू एंजॉयड टुडे सेशन. आपको आज का जो सेशन है वो आपने एंजॉय किया होगा. ओके एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वर्ड एंड बाइट टुमारो नुफला. आई विल डिस्कस अबाउट देम टुमारो. यस देयर इज अ चांसेस ऑलरेडी जो यूजीसेंट का पेपर है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है बिकॉज ऑफ COVID-19. तो यूजीसेंट का जो पेपर है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है. सो डोंट वरी कि वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. सो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई फील इज कि जो यूजीसेंट का पेपर है दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर. दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. ओके सो टुमारोज टाइमिंग इज 5 PM. आई होप ऑल ऑफ यू गाइज लाइक इट. तो मैं अभी सेशन को क्लोज कर रहा हूँ एंड वी विल मीट टुमारो. तो अब हम लोग कल मिलेंगे. ठीक है.